आठवीं या पिछली कक्षा से लेकर अगली कक्षा में जाने का एक ब्रिज है, एक सेतु है। इसी से हम अपने सत्र की शुरुआत भी करते हैं और अपने प्रशिक्षण की शुरुआत भी करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमको ब्रिज कोर्स इस साल भी हर साल की तरह इस साल भी उसका आयोजन करना है। बस थोड़ा सा हमारा सत्र इस बार जल्दी शुरू हुआ है, तो हमारा ब्रिज कोर्स का सत्र भी थोड़ा जल्दी शुरू होगा। आप सबको पता है कि ब्रिज कोर्स 23-24 के प्रोग्राम में आपको जैसे पहले ही जानकारियां मिल चुकी होंगी कि हमको तीन विषय का ब्रिज कोर्स कराना है, इंग्लिश, हिंदी और गणित का। प्रत्येक विषय के लिए रिवाइज्ड ब्रिज कोर्स के 48 घंटे आयोजित किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर जो हम इनकी कक्षाएं लगाएंगे वो कक्षाएं पूरी पूरी 48 घंटे की होंगी। और इसके लिए हमें पता है कि हमें 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इसमें लेना है। और जिस प्रकार से हर बार हम इनका बेसलाइन टेस्ट कराते हैं, एंडलाइन टेस्ट कराते हैं, मिडलाइन हमने पिछले बार से बंद कर दिया है। मिडलाइन टेस्ट पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। इस साल हमको सिर्फ बेसलाइन टेस्ट और एंडलाइन टेस्ट ही कराना है इनका। और बेसलाइन टेस्ट पर हमको उसको पूरा फोकस करना है ताकि उसके आधार पर हम बच्चों के सीखने का स्तर पता लगा सकें। ब्रिज कोर्स पर जो है पूरे दिन हमको सिर्फ ब्रिज कोर्स को ही फोकस करना है, उस पर ही समर्पित अपनी समय सारणी तैयार करनी है, जिसमें तीनों विषयों का ब्रिज कोर्स एक एक दिन में 80-80 मिनट की उसकी क्लासेस, उसके कालखंड लग पाए। ब्रिज कोर्स की सामग्री आप सभी के विद्यालयों में पहुंच चुकी होगी और जहां तक मुझे अनुमान है कि आप सभी ने छात्रों में इसे बंटवा भी दिया होगा। तो मैं अपने ही एक साथी शिक्षक से पूछूंगी जो मेरे साथ में ही बैठी हुई है कि खुबरिया मैडम, आपके विद्यालय में भी ब्रिज कोर्स की किताबें आ चुकी होंगी अभी जी तक? बिल्कुल, मैं खुद ही लेकर गई हूँ और पहुंच चुकी और हूँ। जैन मैडम, आपके स्कूल हमारे में भी स्कूल है? में भी आ चुकी हैं। इसमें हमारे पास मेरे ख्याल से दो पुस्तकें मिली हैं, एक शिक्षक मार्गदर्शिका और दूसरी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के यहाँ भी ये सारी पुस्तकें पहुंच चुकी होंगी और उपलब्ध जितने भी विद्यार्थी हमारे पास होंगे उन सब में हमने इनको वितरित भी कर दिया होगा। आपके यहाँ वितरित हो गई है मैडम, जैन मैडम? हाँ, जो बच्चे आते जा रहे हैं उन्हें देते जा रहे हैं। और खुबरिया मैडम, आपके यहाँ भी वितरित हो गई जी होंगी? मैं खुद ही वितरित करती हूँ, तो मैं कर चुकी हूँ 50% बच्चों को जो है हमारे हमारे हॉस्टल विद्यालय में में। भी जितने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं उन बच्चों को देते जा रहे हैं हम भी। तो आप लोग भी मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे ना? तो छात्रों के सीखने के स्तर पर भी हमें ध्यान देना है। तो जो बच्चे आ रहे हैं उन बच्चों का आते ही साथ हम सबसे पहले बेसलाइन टेस्ट ले रहे हैं। बेसलाइन टेस्ट के बाद ही हम ब्रिज कोर्स को आगे पढ़ाना शुरू करेंगे ताकि हमें उनका स्तर पता लगे। तो हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो 3 से 5 के स्तर में हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 8 के स्तर पर भी हैं। तो 6 से 8 तक के स्तर के लिए हमने अलग व्यवस्था, अलग कक्षा का निर्माण करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी हमारे पास बच्चे जरा कम है। आपके यहाँ कैसी व्यवस्था है खबरिया मैडम? हमारे यहाँ भी अभी कम ही आ रहे हैं, तो एक ही टीचर सबको पढ़ा रहा है, दोनों समूह के बच्चों को, 3 से 5 और 6 से 8 को। और मेरे ख्याल से भी हमारे यहाँ भी अभी ऐसी ही व्यवस्थाएं लागू सबके यहाँ ऐसी ही हो रही होंगी, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति जरा कम है। क्योंकि क्या हो रहा है कि 8वीं का रिजल्ट नहीं आया, तो कैसे करेंगे जनरल, कैसे करेंगे मेरा तो टेस्ट? नहीं, हमें तो जो अभी जो प्रशिक्षण राज्य से प्रदान किया गया है उसमें तो यही कहा गया है कि 8वीं कक्षा परीक्षा बच्चे ने दी है वह ब्रिज कोर्स का पात्र है, तो उसे तो हमें फोन करके या पालकों से संपर्क करके उनको तो स्कूल बुलाना ही अच्छा, मतलब पड़ेगा। हम इस पर ध्यान ना दें कि कौन सा बच्चा पास हो रहा पास हो है और रहा है कौन सा जी फेल हो रहा जी है। बिल्कुल हमको सभी बच्चों को ब्रिज कोर्स पढ़ाना है पढ़ाना और ही है। बेसलाइन टेस्ट भी उनका हाँ लेना हाँ है। बिल्कुल। अच्छा, बेसलाइन टेस्ट के लिए अभी थोड़ा सा ये भी निर्देश हमको मिले हैं कि भाई अब बच्चा एक पहली बार हमने फोन करके बुलाया, वो भागते दौड़ते स्कूल आया और हमने उसको प्रश्न पत्र पकड़ा दिया कि चल ये हल कर, तो वो डर के दूसरे दिन आएगा ही नहीं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी तो हम 2 दिन उसको बहुत बढ़िया मनोरंजक खेल खिलवा रहे हैं, फिर तीसरे दिन जब वो स्कूल आता है तो एक प्रश्न पत्र उसे दे देते हैं और उस खेल के माध्यम से हम उसको बेसिक चीजें
जैसे नुक्ता है, नुक्ता का चिन्ह कहाँ जी लगेगा, वाक्य कैसे बनेंगे, कहानी बताओ, ये हम उसको बता दे रहे हैं और फिर हम उसकी परीक्षा ले रहे हैं। तो वो अपना पुराना जो पढ़ा हुआ है पाठ्यक्रम, वो उसको याद आ जाता है और वो परीक्षा बहुत अच्छे से दे पाता है। बहुत अच्छा है जैन मैडम, ये जो तरीका है आपका, इससे क्या हो रहा है कि बच्चा शायद डर भी नहीं रहा है, अचानक कौन सा पेपर दे दिया तो उसको घबराहट के मारे कुछ याद ही नहीं आता, क्योंकि वो तो घर में बैठा था अभी तक परीक्षा देने के बाद। और परीक्षा देने के बाद बच्चों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो पिछली कक्षा का सब कुछ भूल चुके होते हैं, तो इससे अच्छा मनोरंजक तरीके से उनको फिर से पुरानी चीजें याद आती हैं। बेसलाइन टेस्ट जब देते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनका स्तर भी बढ़ जाता है ऐसे में। तो हमको भी इस सीखने के स्तर पर ध्यान देना है, बच्चों के कौन से स्तर में आ रहे हैं, बच्चों को बेसलाइन टेस्ट जरूर कराना है। और जितना भी बेसलाइन टेस्ट हम उनके कराएंगे, उनके परीक्षा के जो पेपर हैं, उनकी जो बेसलाइन टेस्ट है उसको हम बहुत ध्यान से रखेंगे, जिसमें हमें उनके मूल्यांकनकर्ता की हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिए ना, उनके पालकों के हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिए, और उनको संभाल कर रखा जाए ताकि जब भी उसकी कोई निरीक्षण हो तो हम उसे दिखा सकें और इसमें बता एक सकें। बात मैं जोड़ना चाहूंगी जी अशोकर जी मैडम, मैडम पीछे कीजिए ना स्लाइड। ये देखिए, इसमें छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार दो स्तरों में समूहित किया जाएगा। तो हम बेसलाइन टेस्ट लेते हैं और उसके अनुसार उसमें समूह दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं कि कॉपी जांच कर रख तो लेते हैं, लेकिन हम उनकी लिस्टिंग नहीं करते हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि हम एक हमारा जो रजिस्टर है, उपस्थिति पंजी है, उसे हम पेज बना लें दो स्तर के। और जैसे अंकुर समूह में डिवाइड करने के लिए माध्यमिक स्तर तक किया जाता है, उसी तरह से हम इसको दो पेज बना लें और दोनों समूह के बच्चों को अलग अलग लिख लें। उस पर हेडिंग डालकर 3 से 5 और हाँ, एक 6 से 8, छह से दो। आठ तो, और उनकी अटेंडेंस भी वैसे ही लें, और उनको पॉसिबल हो तो उनको उसी तरह से बैठक व्यवस्था भी उनकी बनाए, ताकि बच्चों को लगे जैसे 3 से 5 वाला बच्चा है तो हाँ उसको होड़ रहेगी कि मुझे 6 से 8 में जाना है, हाँ और 6 से 8 वाले को लगेगा कि अरे मैं तो 6 से 8 में ही हूँ, मुझे तो 9वीं में पहुंचना है। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसका। तो हम चाहते हैं कि जो सत्र का आरंभ हमारे लिए हुआ है, वैसे भी हमारे नव वर्ष का आरंभ अभी होने ही वाला है कल से चैत्र होगा। प्रतिपदा से, तो क्यों ना हम भी अपने हृदय में नए सत्र के लिए नए उत्साह के साथ नया वातावरण तैयार करें कम से कम शिक्षकों मानसिक रूप को। से तो कर ही ले। बिल्कुल, बहुत और बच्चों को भी अच्छा अच्छा सुझाव लगेगा। है जैन मैडम आपका, इससे क्या होगा कि बच्चों की अगर लिस्टिंग भी अलग अलग होगी तो हमें हमेशा ध्यान रहेगा कि कौन से बच्चे को हमें कितनी मेहनत से पढ़ाना है, और बच्चा रोज आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी विद्यालय बिल्कुल। में। ये बहुत अच्छा सुझाव है मैडम आपका। और अब हम एक बार देख लेते हैं इसको संक्षेप में, रिवाइज ब्रिज कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसकी, है ना। सबसे पहले तो हमें इसके लिए क्या करना है कि समर्पित समय ब्रिज कोर्स के लिए देना है। समर्पित समय मतलब आप सबको पता है कि हमें एक विषय के लिए 80 मिनट के पीरियड लगाने हैं, और वो क्रम से ही लगेंगे। उसका भी एक समय सारिणी अनुमानित एक दी गई है, आप इसके आधार पर अपने विद्यालय के शिक्षकों की उपलब्धता और स्थान की उपलब्धता के आधार पर उसको आगे पीछे कर सके। बेसलाइन टेस्ट भी लेना है और एंडलाइन टेस्ट भी लेना है, इसका मूल्यांकन भी करना है और बच्चों पर इसकी निगरानी भी करनी है कि बच्चे का स्तर कितना बढ़ा। बिल्कुल सीखने के स्तर से हमको ग्रुपिंग करनी है, जैसा कि अभी जैन मैडम ने कहा था कि हमें उसको समूह में बनाना है, और उन समूहों में अगर हम एक उनकी लिस्टिंग कर लेते हैं अलग अलग समूह के आधार पर बच्चों की, तो हमें धीरे धीरे उनके सीखने के स्तर का भी पता लगेगा कि ये कितने आगे की ओर भी बढ़ रहे हैं। और बच्चे को एक साथ अपने ही स्तर का ग्रुप मिलता है तो वो बच्चे कभी भी सीखने में उत्साहित ज्यादा होते हैं। सीखने के स्तर के लिए अनुकूलित शिक्षक हैंडबुक और छात्र कार्य पुस्तिका, ये अब हम सबको ही उपलब्ध हो चुकी है। एक इसमें बात करेंगे हम जी मैडम बेसलाइन एंडलाइन मूल्यांकन और ट्रैकिंग। मूल्यांकन तो मैडम समझ में आता है, ट्रैकिंग का क्या मतलब है?
ट्रैकिंग यानी हम बच्चों की जानकारी लेते रहें, उन पर ध्यान रखते कि रहें बच्चों कितना ध्यान दे पा रहे हैं, कि बच्चा किस स्तर का, बच्चा हमारी कितनी बातों को समझ पा रहा है और किस ढंग से। ऐसा भी हो सकता है कि हमने आज ब्रिज कोर्स की शुरुआत की और बेसिक मूल्यांकन लिया और बच्चा रोज स्कूल आ रहा है यदि, और हमने ब्रिज कोर्स पढ़ाया, पहले ही पार्ट पढ़ा देंगे यदि हम, तो उसमें बहुत सारी जानकारी बच्चे को हो जाती है। और हम एक हफ्ते बाद यदि उसी मूल्यांकन पत्र को उसको देकर देखते हैं तो हो सकता है कि बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है और उसको भी समझ में आता है और हमको भी समझ में आता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? वैसे कर तो सकते हैं हम, क्योंकि बच्चे का सीखने का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है उससे। हाँ, कॉपी में हम उसको हल करवा सकते हैं। हम मूल्यांकन उस जगह इम्प्रूव कर रहा, कितना सीखा है ये, क्योंकि जब क्या होगा कि निरीक्षण होगा और बाद में जब 3 से 5 के स्तर का बच्चा हमको 6 से ऊपर के स्तर में मिलेगा तो शायद निरीक्षणकर्ताओं को भी उस चीज की प्रसन्नता होगी और हमें भी उसकी कुछ ज्यादा खुशी होगी। और बच्चे को तो सबसे ज्यादा, बच्चे को तो होगी ही, क्योंकि वो खुद अपने आप को कमियां नजर आ जाएगी, बच्चा कहाँ कमजोर है, कि वो नहीं क्यों नहीं बढ़ पा रहा है 6 से 8, तो अपन उसको वो वाले स्रोत से पढ़ाएंगे। हाँ, ये है। और फिर हम सीखने के स्तर से फिर उसकी ग्रुपिंग, रीग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि एंडलाइन टेस्ट में जब वो बच्चा अच्छा ही रिजल्ट देगा तो हम मान लेंगे कि हाँ, हमने जो ट्रैकिंग की है उसकी दोबारा ग्रुपिंग की है वो सही थी, और बच्चा आगे की 9वीं की पढ़ाई के लिए ज्यादा उत्साहित रहेगा, क्योंकि उसमें ये आत्मविश्वास आ चुका होगा कि मैं पढ़ सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अगला है अप्रैल से जुलाई तक, हमें 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक अपने ब्रिज कोर्स की पढ़ाई संपन्न करानी है, ब्रिज कोर्स पूरा संपन्न कराना है, जिसमें से 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हमें अपने विद्यालय के सभी बच्चों का बेसलाइन टेस्ट ले लेना है, और इनका जो रिजल्ट है वो 25 अप्रैल तक विमर्श पोर्टल पर दर्ज भी कराना है। हो सकता है 20 अप्रैल तक कोई बच्चा ना आए, कोई 21 को आए, कोई 22 को आ जाए, कोई 23 को आ जाए, तो हम उनसे भी बेसलाइन टेस्ट करवा लें, और फिर 25 तक जितने बच्चे हो जाते हैं 25 तक हम विमर्श पोर्टल पर उसका रिजल्ट अपना दर्ज करवा लें। तो 1 अप्रैल 24 से 31 जुलाई तक प्रतिदिन 2 अवधि प्रति विषय, और प्रतिदिन दो अवधि मतलब ये नहीं कि 80-80 मिनट के पीरियड, जैसे पहला पीरियड हिंदी का लगा तो दूसरा भी हिंदी का लगेगा, लेकिन उसमें जो पढ़ाई होगी वो अलग अलग तरह की होगी। कैसे मैडम, अलग अलग तरह दो की कैसे? ग्रुप है हमारे पास जी, एक 3 से 5 वाला है जी, और एक 6 से 8 वाला है जी। तो 3 से 5 वाले को तो उनको बेसिक से उठाना पड़ेगा, और 6 से 8 वाले को चूंकि वो उठा हुआ है तो उसको आगे ले जाना पड़ेगा, इसलिए 2 ग्रुप यहाँ पर किए गए हैं, और उनकी पढ़ाई का तरीका भी अलग अलग है, शिक्षक भी अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, शिक्षक अलग अलग है या शिक्षक एक जैसे, एक ही शिक्षक है अगर दोनों जगह पढ़ाने वाला, तो भी उस 40 मिनट की जो 2 अलग अलग अवधियां हमारे पास है उनमें वो दोनों ही स्तर के बच्चों को पढ़ा सकता है। उसके लिए कैसे पढ़ाना है, कैसे है, ये हम थोड़ा सा आगे भी चर्चा कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि अंतिम के जो 2 अवधि बचेंगी, यानी हमारे पास जो समय बचेगा अंतिम अवधि का, उसमें हमको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत विषयों पर शिक्षण कार्य करवाना है अंतिम 2 विषय में। लेकिन शुरुआत के पूरे 6 जो हमारे कालखंड है वो केवल ब्रिज कोर्स के विषयों के लिए ही होंगे। मतलब ये हुआ कि 80 मिनट में हिंदी के 2 पीरियड, 80 मिनट में इंग्लिश के 2 पीरियड जी, और 80 मिनट में गणित के 2 पीरियड, और फिर बाकी के जो 2 विषय बचे हैं उनके लिए फिर 40-40 या 30-30 मिनट, 40 और 30 मिनट के पीरियड की व्यवस्था। आप उसको 40-30 की बजाय 35-35 भी कर सकते हैं, वो अपने समय अनुसार, वो आपके विद्यालय के अनुसार आप समय अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं, और उसको एक दिन में 2 विषय करके अगले दिन और 2 विषयों को रैंडमली चला सकते हैं। ये अपने अपने विद्यालयों की व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन ये विषय हमको अंतिम 2 कालखंडों में ही पढ़ाने हैं। शुरुआत के पूरे 6 कालखंड हमारे ब्रिज कोर्स के ही होंगे। ब्रिज कोर्स में भी हम ऐसा तो कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चों के मूल्यांकन स्तर में गणित कमजोर आया, तो हम उसको गणित को पहले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अंग्रेजी कमजोर आया है तो हम अंग्रेजी को पहले कर सकते हैं, और हिंदी को अपन बीच में रख लें या लास्ट में कर लें।
तो छात्रों के वास्तविक शिक्षण स्तर को जानने के लिए प्रत्येक विषय के लिए 1 अप्रैल से 20 अप्रैल के मध्य बेसलाइन टेस्ट आयोजित करना है। ये बात हम आपसे पहले ही कर चुके हैं। यह जो है ग्रेड 3 से 8 तक यानी 3 से लेकर 8 तक इसके वर्गीकृत पेपर परीक्षण दक्षता पर आधारित होगा, जैसा कि हर बार ही होता है। इस बार भी कुछ उसमें नया नहीं है, जिस तरह से हम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरह से अभी भी पेपर है, अभी भी उनको उसी स्तरों पर बांटना है। या आप एक बात जी छोड़ूंगी, बोलिए मैडम, आप भी शायद सहमत होंगे इसमें कि ये जो बेसलाइन टेस्ट होगा इसमें हमें बच्चे की सहायता केवल इतनी करनी है कि हम उसे प्रश्न पत्र दे दें, पेन पेंसिल ना हो तो वो उपलब्ध कराना। जी बिल्कुल, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम उसको हिंट करने की कोशिश ना करें। जी 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 बिल्कुल, हम सामग्री ही उनके लिए उपलब्ध करा सकते हैं, उनको किसी भी प्रश्न का उत्तर हम उनको पहले पढ़ा दें, पहले पढ़ा दें, प्रश्न पत्र देने के बाद कुछ ना बताए। तो यह आपको प्रत्येक छात्र की शुरुआती सीखने के स्तर की पहचान करने में मदद करेगा। हाँ, अगर आपने उनको बताया तो हो सकता है कि उसका स्तर बढ़ जाए और वास्तविक उसका स्तर वो ना हो, क्योंकि हमें बच्चे का वास्तविक स्तर पता करना है, बेस है उसको वो मजबूत करना है। इससे ये नहीं है कि हमारे विद्यालय में बेसलाइन टेस्ट में 3 से 5 के स्तर के बच्चे ज्यादा है तो उसको हम 6 से 8 के स्तर में दिखाने का ही प्रयास करें, ऐसा ना करें। बच्चे का वास्तविक स्तर जो है उसको उसी स्तर पर रहने दें और फिर उसको वहां से प्रयत्न के साथ पढ़ाने के साथ ही उसको आगे ऐसा भी होता है ना, जैसे उसमें एक क्वेश्चन आता है हमेशा ही एक जैसे ही प्रश्न पत्र रहता है जी, कि उसमें पूरा एक सेंटेंस लिखना रहता है जी, जी। लेकिन बच्चा टूटा फूटा लिखता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम उसको 2 नंबर पूरा दे देते हैं जी जी जी, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है जी। इसमें हम यदि उसने आधा आंसर लिखा है तो हम उसको 1 ही नंबर दे, उसको गलतियां दर्शाते हुए बताते हुए कि हाँ गलती है और गलतियों पर गोले तो लगाना है और बच्चों को बताना भी है पढ़ाई के। सही है, उनकी अगर गलतियों पर हम गोले लगाकर उन बच्चों को बताएंगे तो वो गलतियां अपनी सुधार पाएंगे। बेसलाइन टेस्ट में पाए गए स्कोर के आधार पर छात्रों के सीखने का स्तर, इसका विवरण अगले पृष्ठ में दिया गया है, हम इसे देखेंगे अभी। बेसलाइन टेस्ट मूल्यांकनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, ने जो इनका मूल्यांकन कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर इसमें स्पष्ट रूप से करने हैं। ऐसा नहीं कि छोटी सी एक चिड़िया बना दी और काम हो गया, हस्ताक्षर के साथ नाम भी लिखे और उसमें भी अलग से वहां पर निर्दिष्ट भी करें कि जिस बच्चे का बेसलाइन टेस्ट का मूल्यांकन आपने किया है वह बच्चा किस समूह में है, सीखने की किस स्तर पर है, 3 से 5 के स्तर पर है यानी समूह 1 में है, या 6 से 8 के स्तर पर है यानी समूह 2 में है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रिंट नहीं है, बॉक्स भी बना रहता है ना, वो तो अपन रेड इंडिकेट कर सकते हैं। ऐसे करें कि जब भी कोई इसे खोले तो पता लगे कि हाँ ये बच्चा इस स्तर पर है, इतना उसमें समझ में आए। मूल्यांकन के बाद छात्र के माता पिता द्वारा प्रत्येक बेसलाइन मूल्यांकन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, यानी हमें माता पिता को बुलाना है, उनको उनके बेसलाइन टेस्ट दिखाने हैं और उनको ये बताना है कि आपका बच्चा अभी किस स्तर पर है, और उन्हें ये आश्वासित भी करना है कि देखिएगा आपका बच्चा 31 जुलाई के बाद हमें 6 से 8 के स्तर से भी ऊपर 9वीं के स्तर पर दिखाई देगा। जैसे ये इस साल बहुत अच्छा किया है कि रिजल्ट आने के पहले प्रीस्कोर्स आरंभ कर दिया। तो अब क्या होगा मैडम, देखिए अभी हम लोग क्या करते थे कि बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर बुलाते थे कि एडमिशन लो लो, अब बच्चा तो पहले से ही स्कूल आ रहा है और जब वो रिजल्ट आएगा और बालक आएंगे उसकी फीस वगैरह और जो भी लेकर प्रमाण पत्र दस्तावेज लेकर, तो उस समय उनका मूल्यांकन दिखाकर हम उनके दस्तखत वहां ले सकते हैं और पेरेंट्स को भी ये बता सकते हैं कि आपका बच्चा हमने मूल्यांकन लिया है और वो इस स्तर पर है। ये हमारे लिए बड़ा सरल कर दिया है गवर्नमेंट ने, और ये गलत भी बात होगी पेरेंट्स के लिए भी और अपन शिक्षकों के लिए भी। ये बहुत बहुत अच्छी प्रक्रिया है अभी इस समय, क्योंकि रिजल्ट से पहले ही हमको पता है कि बच्चा कहाँ पर है और वो धीरे से आगे कैसे बढ़ रहा है, ये हमें पेरेंट्स को तुरंत दिखाने का मौका भी मिलेगा। मेरे ख्याल से हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं उन लोगों को भी ये महसूस हो रहा होगा कि ये प्रक्रिया बहुत सरल हमारे लिए, थोड़ी सी ऐसा नहीं कि हमको फोन करके बुलाना पड़ रहा है, फोन करके हमको अभी बुलाना है बच्चे को ताकि वो 8-15 दिन हमसे जुड़ जाए
और फिर एडमिशन ले, तो इससे हमारे स्कूल के एडमिशन भी बढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि हमारे स्कूल में तो पढ़ाई शुरू हो गई है, तो दौड़ दौड़ कर बिना एडमिशन लिए ही पढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छा तरीका है मेरे ख्याल से। ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने इस तरह का निर्णय लेके बहुत सुविधाजनक कर दिया है। मेरे शिक्षक साथी बस जो इतना ही जुड़े हैं उनको भी ये महसूस हो रहा होगा। बस हमको अभी इतना ही कष्ट करना है कि उस बच्चे को इस बात के लिए जागरूक करना है कि विद्यालय खुल चुके हैं और वहाँ पढ़ाई आरंभ हो गई है, इसलिए हमें एक एक बच्चे को फोन लगाकर स्कूल बुलाना है। सभी दस्तावेजों पर हमें मतलब मूल्यांकन, बेसलाइन मूल्यांकन के जो पत्र है उस पर पेरेंट्स के भी हस्ताक्षर होंगे, और इन हस्ताक्षरित कागजों को विद्यालय में संग्रहित किया जाने की है, क्योंकि जब भी इसका निरीक्षण होगा, निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान इन कागजों का, इन पत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि एक विमर्श पोर्टल की साइट दी हुई है जिसमें आपको परिणाम अपलोड करने हैं बेसलाइन टेस्ट की। तो सभी छात्रों का उचित समूह निर्धारित करने के लिए बेसलाइन परीक्षा अति आवश्यक है। यदि वे निर्धारित तिथियों के दौरान मौजूद नहीं है तो बाद में उनका परीक्षण लें और परिणाम 25 अप्रैल 24 तक अपने परिणाम विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर दें। और ये क्या है मैडम, ये नीचे का, ये उन्होंने एक ग्रेड दे दिया है, सारणी बनाकर दे दी है कि आप इस तरीके से बच्चे का ऐसा बनाना है रजिस्टर में, इस तरह से रूल कर आप बना सकते हैं कि बच्चों के अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं, हिंदी में कितने मिले हैं, गणित में कितने मिले हैं, ऐसा। और ये वैसे गोशवारा है, ये उन बच्चों का गोशवारा है। परिणाम के लिए तो हम हर बच्चे का नाम लिखते हैं और फिर ये तीन खंड बना सकते हैं और उसमें जो उनका समूह वर्गीकृत कर सकते हैं, बेसलाइन में जो नंबर लिए हैं वो नंबर इसमें डालना है। ये गोशवारा अवश्य बनाएं, क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि कुछ कुछ समय के बाद बाद में आने वाले बच्चों में धीरे धीरे किस किस स्तर पर कितने कितने बच्चे हैं और किस किस विषय के हैं, उनकी संख्या हमें अवश्य पता होनी चाहिए। ये बेसलाइन टेस्ट पंजी कहलाएगी, बेसलाइन टेस्ट पंजी जी। हर विषय शिक्षक के पास ये अंक होना चाहिए कि वो जिन बच्चों को पढ़ा रहा है उसका बेसलाइन टेस्ट में उसके अंक कितने हैं, वो किस स्तर का है, और उनके बेसलाइन टेस्ट में बैठने वाले बच्चों की कुल संख्या और अभी उपस्थित होने वाले बच्चों की कुल संख्या भी विषयवार हर विषय शिक्षक के पास होनी चाहिए जो जो वो वहां पर पढ़ा रहे हैं। समूह बनाने के लिए दिशा निर्देश। बेसलाइन मूल्यांकन स्कोर के आधार पर हिंदी, अंग्रेजी और गणित के लिए समूहीकरण दो समूहों में किया जाना है। विस्तृत दिशा निर्देश बेसलाइन टूल के साथ प्रदान किए जाएंगे। बेसलाइन टूल यानी आपके पास में जो शिक्षक मार्गदर्शिका है और जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है और साथ ही जो बेसलाइन टेस्ट के पेपर हैं वो सब आपके बेसलाइन टूल में है। इन्हीं पे आपको लिखा हुआ है, उस बेसलाइन पेपर पे लिखा हुआ है कि सीखने का स्तर कितने अंकों के आधार पर बच्चों का निर्धारित होगा। प्रश्न पत्र भी शायद सोमवार तक सभी लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, ऐसा मुझे जानकारी मिली। विमर्श पोर्टल पर विमर्श अपलोड हो चुके हैं, वो 25 मार्च तक ही वो उसको प्रिंट करवा के, जी जी, क्योंकि 25 मार्च तक विमर्श पोर्टल पर वो अपलोड हो चुके हैं। तो अब हमारे यहाँ तो ये भी है कि 3 दिन तो भी छुट्टियां रहेंगी और उसके बाद ट्रेनिंग भी है, चुनाव की ट्रेनिंग में सभी जाएंगे और उसके बाद फिर छुट्टी है शायद, और उसके बाद हमारा यहाँ बहुत बड़ा लोकतंत्र का उत्सव है, उससे बड़ा उत्सव हमारा हो नहीं सकता है। तो उसमें भी सभी लोग उत्साहित हैं उसमें भाग लेने के लिए। जिन लोगों की ड्यूटी लगी है उनको भी शुभकामनाएं और जो वोट डालने जाने वाले हैं उनको भी धन्यवाद जैन मैडम, क्योंकि हम भी ड्यूटी करने जाएंगे, हमें भी इस तरह के शुभकामनाओं की बहुत आवश्यकता है। जी जी। तो ग्रेड 9 यानी कक्षा 9 के लिए ब्रिज कोर्स के लिए दो शिक्षक उपलब्ध, अधिकतम प्रयास करें कि दो शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं। तो शिक्षक एक समूह एक के छात्रों के साथ काम करें और शिक्षक दो समूह दो के छात्रों के साथ। अगर दोनों ही विषय शिक्षक हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम कक्षा अनुसार उनको समय अनुसार समूह एक और समूह दो में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु जहां पर एक विशिष्ट विषय विशिष्ट शिक्षक है और एक गैर विषय विशिष्ट शिक्षक है, वहां पर जो विषय शिक्षक नहीं है उसे हमें 3 से 5 के स्तर के छात्रों के लिए
नियुक्त करना है ताकि वो उन बच्चों को पढ़ा सके, और जो 6 से 8 के स्तर के छात्र हैं उनके लिए विशेष शिक्षक प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों किया है, कुछ अपन बात करें इस पर। जी जी ऐसा मेरे ख्याल से इसलिए किया है क्योंकि राज्य शासन ये समझता है कि हर शिक्षक 8वीं तक पढ़ा सकता है, चाहे वो उस विषय का हो या ना। जैसे मुझे, मेरा हिंदी विषय है, आपका भी हिंदी है, यदि मुझे गणित में 3 से 5 तक का पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो मैं देखूं कि उसमें क्या है, क्या पढ़ाना, जोड़ना, घटाना, भाग देना, पहाड़े, पहाड़े, ये सब है, और कुछ शायद समीकरण भी होंगे। तो हम प्रयास तो कर सकते हैं और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा अचीवमेंट हो सकता है यदि शिक्षकों की कमी है तो, और यदि पर्याप्त शिक्षक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम इस तरह से मैनेजमेंट करें। जी जी, 3 से 5 तक के, 5वीं कक्षा तक के तो किसी भी विषय का शिक्षक किसी भी विषय को पढ़ा सकता है, और उसके जो बेस है, उसका जो आधार है, वो उसे भी पता है, तो वो बच्चों को उस बेस पर बहुत अच्छे से तैयार कर पाएगा। लेकिन 6 से 8 तक में थोड़ा विषय का महत्व बढ़ जाता है, इसीलिए हमने, शायद सरकार ने इस चीज को सोचा है, विभाग ने, कि विषय शिक्षक ही 6 से 8 के स्तर के बच्चों को सिखाए, क्योंकि अगर 6 से 8 में बच्चा उस स्तर पर है तो बच्चा जरूर उस लायक है कि वो छोटी छोटी बातों को भी समझ सके, तो बारीकियां भी हमें विशेष शिक्षक ही समझा पाएंगे, इसलिए ऐसा किया गया। नीचे वाला पॉइंट है, उसमें कहते हैं ना बारी बारी से, देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है यहाँ पर, बारी बारी से पढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये कि जैसे एक हमारे कक्षा में एक रो में पूरे 3 से 5 के स्तर के बच्चे बैठे हैं, दूसरे रो में 6 से 8 के बच्चे बैठे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि 3 से 5 वालों को हमने वर्कशीट कराई करने के लिए दी, और 6 से 8 वालों को हम समझा रहे हैं, फिर हमने 6 से 8 वालों को वर्कशीट दी और 3 से 5 वालों को समझा रहे हैं या उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो हम इस तरह से बारी बारी से दोनों को एक ही शिक्षक दोनों ही स्तरों के बच्चों को पढ़ा पाएगा। ये उस स्थिति में भी हो सकता है कि बच्चा कम हो संख्या में, यदि अधिक संख्या है तो फिर तो शिक्षक भी तो अलग ही चाहिए, एक गैर विषय शिक्षक तो नियुक्त करना ही होगा। यहाँ शिक्षक उपलब्धता में, जैसी अभी हमने चर्चा की है, उसी के विषय में दिखाया गया है कि गैर विषय शिक्षक जो है वो सीखने का स्तर उनका 3 से 5 जिन बच्चों का है वो गैर विशिष्ट शिक्षक वहां पर पढ़ाएंगे, और 6 से 8 के स्तर पर जो है वो विशेष शिक्षक पढ़ाएंगे। इसी बात को इन्होंने फिर से एक बार थोड़ा सा चित्र बनाकर हमें बताया है। तो लेकिन छात्रों के, चाहे वो किसी भी स्तर का बच्चा क्यों ना हो, उसके लिए प्रत्येक विषय को सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें पूरे तीनों विषयों के ही ब्रिज कोर्स के समय में हर स्तर के बच्चे के लिए एक एक शिक्षक का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए पूरा प्रयास करें कि भले ही विषय शिक्षक ना हो, किसी अन्य विषय के शिक्षक से ही उसको पढ़वाना पड़े, लेकिन बच्चे को शिक्षक के साथ हमेशा बिजी रहने दे, व्यस्त रहने दे, क्योंकि वो शिक्षक के साथ रहेगा तो इधर उधर उसका मन भटकेगा नहीं। कई बार क्या होता है कि हमने 3 से 5 के स्तर को एक ही शिक्षक होने पर वर्कशीट तो दे दी, लेकिन उनका मन थोड़ा इधर उधर विचलित हो जाता है, फिर वो ध्यान नहीं, क्योंकि उनको एक प्रश्न नहीं बना तो वो इधर उधर ताका झाकी में लग जाते हैं, शैतानियों में लग जाते हैं, जिससे कक्षा की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। अब देखो अपन बच्चों के स्तर पर जाकर यदि सोचें तो देखिए मैडम, ये 8वीं तक के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, मध्याह्न भोजन, ना खेलने वेलने में ज्यादा उनका ध्यान रहता है, और एकदम से क्या होता है कि शिक्षक बदलते हैं, और वो शिक्षक जैसे हम मेरे सामने आ जाए तो पहले ही डर जाता है बच्चा, कितनी गंभीर मुद्रा हमारी। और वैसे भी क्या होता है कि जो मिडिल में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, माध्यमिक वाले बच्चे होते हैं, वो वैसे भी थोड़ा सा हाई स्कूल के टीचर से, हायर सेकेंडरी के टीचर से डरते ही हैं। जी जी बिल्कुल, तो पहले हमें उससे मित्रता तो करनी होगी, बच्चे से कहानियां बताएं उसको, थोड़ा सा चुटकुला भी बता, थोड़ा सा हम अपना स्तर भी बच्चों तक लेकर आएंगे तो बच्चे भी हमसे बहुत अच्छा तारतम्य बना पाएंगे। जी जी बिल्कुल। शिक्षक हैंडबुक गतिविधि
शिक्षक हैंडबुक जो है वो सबके पास में सब विद्यालयों में भी पहुंच चुकी है, हमको उस पर आधारित योग्यताओं से ही उस पे शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं उसके आधार पर हम बच्चों से गतिविधियां करवाएं। हमारे लिए कुछ निर्देश हैं, कुछ संकेत हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, किस तरह की चीजें उनके लिए बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कार्य पुस्तिका से शायद हमारी भी कुछ अवधारणाएं स्पष्ट नहीं हो पाती है, तो बच्चों की अवधारणाओं को हम कैसे स्पष्ट करेंगे। इसमें देखिए शिक्षक मार्गदर्शिका और जो ब्रिज कोर्स 24-25 के लिए हमारी आ चुकी है, अब ये जो पुस्तिका है मैडम इसके विषय में भी हम थोड़ी सी बातचीत कर लें तो अच्छा रहेगा, हमारे पास 5 मिनट का समय तो है ही, कि इसमें जो लेखन सदस्य हैं वो सोसाइटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट सार्ड जिसको हम संक्षिप्त में कहें जी जी। तो ये पूरे सदस्यों की कमेटी है जिन्होंने बहुत विचार विमर्श करने के बाद और ऐसे कई टूल्स पर काम करने के बाद उन्होंने ये पुस्तिका का निर्माण किया है, जिसमें विषय विशेषज्ञ हमारे सुश्री पवन गुलेरिया मैडम और श्री अशोक वशिष्ठ जी हैं, मुख्य विषय समन्वयक सुश्री अनु झा जी हैं और कार्यकारी अध्यक्ष सार्ड के हैं वो हैं श्री सुधीर भटनागर जी। ये सब अपने अपने क्षेत्र के हस्त हैं शिक्षाविद, और इसमें संपादन सहयोग हमारे डॉक्टर मीनाक्षी दुबे मैडम ने किया है जिन्होंने हमें अभी राज्य से यहाँ पर बहुत ही सुंदर, और जो स्लाइड अभी हम देख रहे हैं ये भी डॉक्टर मीनाक्षी दुबे ने ही तैयार की है। स्टेट असेसमेंट सेल की ये विशेषज्ञ हिंदी की है और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल में है। इसका कवर पेज भी कई सालों से हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रभाव डालने वाला है। शिक्षक मार्गदर्शिका ग्रीन कलर में है और उसके बीच में एक घड़ी बनी हुई है जिसमें पूरे हमारे वर्ण बने हुए हैं, तो इतना प्रभावशाली इसका कवर पेज है जिसको डिजाइन किया है श्री प्रवीण शर्मा जी ने। और ये पुस्तिका हम जब अभी हमारे पास समय है सभी शिक्षकों के पास तो ये संदर्शिका की रूपरेखा जरूर पढ़ें, इसमें सीखना सिखाना सीखने की विधि और हाँ इसमें सीखने के बिंदु दिए गए हैं कि हमें क्या सिखाना है। पहले तो समावेश बिल्कुल, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि इस पुस्तिका के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, जब हमें पता होगा तब हम वो बच्चों को सिखा पाएंगे। फिर ऐसे ही जो इसकी जो विषय सूची बनी हुई है उसमें हर पाठ की विधा दी गई है, पाठ का नाम दिया गया है, फिर उनके कौशल, कौशल का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए सूरज का ब्याह है तो उससे कौन सा कौशल विकसित किया जाएगा, ये पूरी सूची है। तो हम सभी का ये होना चाहिए सबसे पहला कर्तव्य कि हम इस पुस्तक के शुरुआती पेजों को बहुत ध्यान से पढ़ लें। हम शिक्षक, ये बच्चों को नहीं पढ़ाना है लेकिन ये हमें तो पढ़ना आवश्यक ही है जी बिल्कुल, क्योंकि ये शिक्षक मार्गदर्शिका ही है। अगर हम इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम बच्चों को क्या पढ़ाना है, बच्चों तक हमें क्या पहुंचाना है, ऐसी कौन सी विषय वस्तु है जो हमें बच्चों के दिमाग में भरनी है, उनके अंदर के कौशल, उनकी सीखने की जिज्ञासा हमें कैसे बढ़ानी है, ये हमें इसी से पता लगेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है दस्तावेजीकरण के लिए तो हमारे पास ये गतिविधियां हैं जिसकी समय रेखा यहाँ पर दी गई। खाना पूर्ति के लिए दस्तावेजीकरण ठीक है लेकिन दस्तावेजीकरण के साथ साथ बच्चों का वास्तविक स्तर कैसे बढ़ाना है और उसको पता लगाना है ये भी एक महत्वपूर्ण। फिर भी दस्तावेजीकरण कैसे करेंगे मैडम अपन बताइए ना थोड़ा। जी दस्तावेजीकरण करने के लिए हमने पहले ही आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा कि विषय अनुसार बेसलाइन पेपर जो है विमर्श पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं 25 मार्च को ही, तो मुझे अनुमान है कि आप सभी ने उसको डाउनलोड कर लिया होगा है ना। तो हमने जैसे पहले भी एक बार चर्चा की है अभी थोड़ी देर पहले कि हम बच्चों को पहले एक दिन उस विषय से संबंधित कुछ जानकारी दे दे जिससे उसका दिमाग फिर से उसके दिमाग की खिड़कियां जरा खुल जाएं ताकि वो फिर से उन चीजों को याद कर पाए जो उसने परीक्षा से पहले तक पढ़ी थी। उसके बाद हम तीनों विषयों का, खासकर हम अपनी हिंदी की चर्चा करेंगे तो हम हिंदी का बेसलाइन परीक्षण का जो पत्र है वो उसके पास दें और एक दिन में एक विषय का आयोजन हम उसके साथ करें जी तीन विषयों में से, ताकि बच्चे पर बहुत ज्यादा बोझ ना हो, नहीं तो वो तीनों विषयों में बड़ा हॉट वॉच हो जाता है। स्कूल आया और हमने हिंदी वाला टीचर गया उसने हिंदी का टेस्ट पेपर दे दिया
और साथ में इंग्लिश का भी दे दिया या साथ गणित का भी गणित दे का दिया दे कि ये भी दिया। हल कर, ये भी हल कर, 1 घंटे का समय आज ही देना है, तो वैसे भी बच्चा बच्चा हैरान क्या बिना परेशान बहुत होता है। समय से पढ़ा लिखा नहीं होता है, बहुत समय उसने छोड़ दिया होता है, उसको अचानक पेन दे दिया जाए तो वो एक पेपर करते करते ही क्योंकि थक जाता है, घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। हाँ, और परीक्षा से तो बड़े बड़े उसको ऐसे घबरा लगता है के, कि घुसते ही साथ परीक्षा होने लगी है, शायद कल से अब मैं नहीं आऊंगी तो बच जाऊंगा परीक्षा से, ये विचार उसके दिमाग में हम आता लोग है। भी यही सोचते हैं कि आज ही आया है और यदि कल नहीं आया तो तो इसलिए हम दे जाते हैं तो उसको सरलीकरण करके ले, सरल तरीके से। तो ऐसे ही एक दिन में एक विषय का परीक्षा हम उससे लें, एक दिन में एक विषय की, और उसके बाद उसका मूल्यांकन करें, और जितने भी बच्चे विषय के बेसलाइन टेस्ट का पेपर दे रहे हैं उन पेपरों को हम ध्यान से उनका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन करने के बाद हम उनको ये ध्यान पर उनका ये निरीक्षण हमें करना होगा कि वो बच्चा किस स्तर पर आ रहा है, उस स्तर को हम उसके पेपर पर सामने लिखें और उस पर मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर हो, नाम हो, सीखने का स्तर हो बच्चे का, और साथ ही साथ इसके दस्तावेजीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभी ये है कि हमें इस पेपर को उसके माता-पिता को दिखाकर उनके हस्ताक्षर भी लेने हैं, और उसके बाद उसका परीक्षा परिणाम हमें 25 अप्रैल तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड कर देना है, और उसके बाद उसको सहेज कर रखें, ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया उसको उसकी दो फाइल बना ले, 3 से 5 वाला तीन से एक, पांच स्तर हाँ, के। और एक 6 से 8। ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ उपस्थिति पंजी में जहां हमने स्तर के अनुसार नाम लिखे हैं दो पेज में, हाँ वहीं हम एक बेसलाइन टेस्ट और एक एंडलाइन टेस्ट का एक कॉलम खींच लें, तो वहीं पर हम भी कक्षा शिक्षक भी विषय शिक्षक भी नोट करके रखें और परीक्षा प्रभारी के पास तो हम दे ही देंगे उसको। बाकी जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं ऐसे ही फाइल में अंदर। हाँ बिल्कुल, ये देखिए इसके दस्तावेजीकरण हेतु ध्यान देने योग्य बिंदु है कि मूल्यांकन निष्पक्ष हो। निष्पक्ष हो पर हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि कहीं पक्षपात ना हो कि अरे ये बच्चा अच्छा है लेकिन शायद लिख नहीं पाया, ऐसा ना हो, क्योंकि अगर वो वहां लिख नहीं पा रहा है मतलब उसका कहीं ना कहीं स्तर हमारे समझने के अनुसार कमजोर है। सावधानी पूर्वक उसका मूल्यांकन किया जाए, ये समस्त दस्तावेजों का संधारण उचित तरीके से करें, जैसे अभी हमने चर्चा की है कि 3 से 5 स्तर के बच्चों के लिए एक अलग फाइल बनाकर उनके दस्तावेज उसमें रखें और 6 से 8 के स्तर की एक अलग फाइल बनाकर उनके दस्तावेज उसमें रखें, ठीक है, क्योंकि जब भी निरीक्षण होगा तो हमें ये उपलब्ध कराए जाने हैं ये द्वारा। सिस्टमेटिक पीस एक करना पड़ेगा। सुझाई गई समय सारिणी इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रही है, और सुझाई गई समय सारिणी के अनुसार इसमें जो समय दिया गया है, देखिए अवधि एक यानी 10:50 से, क्योंकि 10:30 से हमारे विद्यालय का समय शुरू होता है यानी 10:30 बजे से, और 10:30 से 10:50 तक यानी 11:10 कम तक इस 20 मिनट की प्रार्थना का समय है, तो वो प्रार्थना का समय भी हमें उपलब्ध कराना है, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारे उनके कौशल भी हमें उस प्रार्थना समय से ही पता लगते हैं। तो उसके बाद 10:50 से 11:30 तक और 11:30 से 12:10 तक हमें अंग्रेजी के ब्रिज कोर्स की व्यवस्था इसमें दी गई है, और उसके बाद 12:10 से 12:50 तक और 12:50 से 1:30 तक गणित का ब्रिज कोर्स पढ़ाना है। उसके बाद अवकाश है 1:20 से 2 बजे तक का। फिर अंत में जो ब्रिज कोर्स है तीसरा हिंदी विषय का दिया गया है, जिसमें 2:00 से 2:40 तक और 2:40 से 3:20 तक हमें हिंदी का ब्रिज कोर्स उसमें कराना है। फिर बाकी के बचे हुए समय यानी 3:20 से लेकर 4:30 तक का समय हमें दो विषयों के लिए विभाजित करना है, जिसमें से हम रैंडमली दो दो विषय रोज पढ़ाएंगे, 6 दिन में उन विषयों की कक्षाएं लगेंगी, विज्ञान, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की। अब ये 3:20 से लेकर 4 बजे तक का और 4 से लेकर 4:30 तक का इस तरह का समय इस सुझाई गई समय सारणी में दिया गया है। अंतिम दो कालखंडों का उपयोग हमें केवल इन 3 विषयों के लिए करना है। जी इंग्लिश वाले तो नेचुरल ये थी स्लाइड में हमारी आधारभूत जानकारियां ब्रिज कोर्स के लिए, और इसके बाद शारदा हम मैम ये इंग्लिश के ब्रिज कोर्स जुड़ते का ये हैं हमारे ब्रिज कोर्स की जो पुस्तिका आई हुई है उसमें आप इंग्लिश सभी के के पास शिक्षक अलग मार्गदर्शिका भी होगी मटेरियल और मटेरियल सीन।
शिक्षक मार्गदर्शिका भी होगी और विद्यार्थी कार्य पुस्तिका भी होगी। तो शिक्षक मार्गदर्शिका और विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के बीच में जो अंतर है वो ये है कि इसमें शिक्षक को कैसे करवाना है, पढ़ाना है, किस स्तर से उसको किस स्तर तक लेकर जाना है, ये पूरे ट्रिक्स जो है वो दी है शिक्षक मार्गदर्शिका में। और विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो है उसमें मतलब पाठ दिया हुआ है, बहुत सुंदर कविता फिर कार्य पत्रक दिए गए हैं जो बच्चा हल करेगा। खबरिया मैडम, ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या कि कार्य पत्रक को हम भर के बच्चों को दे दें? कितना सरल तरीका है। नहीं मैडम, ये तो अपन बच्चों को और पीछे लेकर जाएंगे, उसको तो आगे बढ़ाना है ना, 3 से 5 से 6 से 8 में लेकर आना, उसको 9th के पढ़ने लायक बनाना। तो ऐसा नहीं, पहले उसको समझाएंगे फिर उसको देंगे, फिर उसकी जांचेंगे इसका दिमाग कितना बढ़ा है, ये है सरल शब्दों में। अच्छा, इससे शिक्षक को क्या फायदा होगा ये बताइए। शिक्षकों को क्या फायदा होगा? शिक्षा क्या, वो तो सिखाने के लिए है, बच्चों को सिखाए और उसका उद्देश्य है, और उसे देखना भी है शिक्षकों की जो क्लास में गया है तो वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में कितना सफल रहा है। जी, जिस बात को लेकर गए कि आज मेरे बच्चे को पढ़ लिए, तो जो पढ़ाया हुआ बच्चा ने कितना सीख पाया है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा तो शिक्षक को ये होता है कि उसे बहुत आत्मसंतुष्टि होती है। नहीं, बच्चा सीखेगा जीवन में, आज का जो दिन है उसका, आज पढ़ाने के बाद उसका जो दिन है वो जीवन का सबसे ज्यादा सुंदर दिन है। वो एक अलग ही खुशी वो महसूस करता है कि यार इस बच्चे को आज कुछ नहीं आ रहा था और मैंने सिखाया तो बच्चा सीख गया। हाँ हाँ, मैंने जब दूसरे दिन पूछा फटाफट उसने जवाब दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से शिक्षकों को अपने ये जो मार्गदर्शिका है जी, इसका तो हर एक बिल्कुल एक एक पेज, एक एक पेज, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, पढ़ना चाहिए। हाँ। जैसे हम बात करते हैं कि मैं सबसे जो एक सूची बनाकर दी है पेज नंबर 5 पर है ये जी, उपचारात्मक शिक्षण सामग्री 9वीं कक्षा। हमारी स्लाइड आपको नहीं दिख रही होगी साथियों, लेकिन हम जो कह रहे हैं उस पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि वास्तव में जो ब्रिज कोर्स है इसका उन्होंने यहाँ पर अंदर शिक्षकों के लिए नाम दिया है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री। इसका मतलब यह है कि बच्चा उपचार करने लायक है। उपचार मतलब होता है चिकित्सा लाभ। हाँ, चिकित्सा बिल्कुल बिल्कुल इलाज, इलाज बिल्कुल सही आपने पर्यायवाची ढूंढा है, इलाज इलाज। हाँ, और हम इसको स्वास्थ्य लाभ भी बोल सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ। और ये स्वास्थ्य लाभ मतलब मानसिक, मानसिक बिल्कुल सही, मानसिक मानसिक। Yes. मतलब हमने जब इसका बेसलाइन टेस्ट किया तो हमने ये आकलन किया है कि बच्चा कितना अस्वस्थ है जी, कितना कमजोर है, बिल्कुल कहाँ उसकी कमजोरी है और उस कमजोरी का इलाज हमको करना जी। है ना, जैसे मान लीजिए पैर में दर्द हो रहा है तो हम हाथ नहीं दबाएंगे, हम पैर दबाएंगे तो उसका हाथ मतलब पैर ठीक हो जाएगा। आंख में भी तकलीफ है तो आंख का इलाज करना होगा। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से उन्होंने ये बहुत ही सुंदर सामग्री हमको प्रेषित की है और लगातार कहना चाहिए मेडिसिन वाला है, मल्टी विटामिन, बिल्कुल मल्टी विटामिन, प्रोटीन सब है, मिनरल्स सभी कुछ है इसमें। और चूंकि अब हम हिंदी वाले हैं तो हम हिंदी के लिए बोल सकते हैं कि बच्चे को इसमें वर्णमाला का ज्ञान भी कराया गया है, मात्राओं का ज्ञान भी है, स्वर व्यंजन आरोह अवरोह, पाठ कैसे करना, कविता कैसे पढ़ना है, कहानी कैसे पढ़ना है और पत्र कैसे पढ़ना है, सभी कुछ एक साक्षात्कार लेने का तरीका भी बहुत अच्छा बताया गया है। मतलब इतने सुंदर उन्होंने डिजाइन किया है समस्त जानकारी। हाँ, और जब इसको शिक्षक स्वयं पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से एक शिक्षक का अपना स्तर भी काफी बढ़ता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वास्तविक रूप से पढ़ाते हैं तो बच्चों का तो ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता है, साथ साथ शिक्षकों का एहसास होता है कि ये मुझे नहीं मालूम था, आज मालूम हुआ। बिल्कुल। और जैसे इसमें एक लोक कथा दी गई है मिजबान जी, मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद है लोक कथा, तो मिजबान पर हम चर्चा करते हैं। इसका हम 2-3 तरीके से उच्चारण कर सकते हैं ना, मिजबान और मेजबान, मेजबान मेजबान ऐसा जी। तो उसमें देखिए उच्चारण अलग अलग जगह से हो रहा है और सही
शब्द जो है वो है मेजबान। मेजबान ये तो मेजबान दिया हुआ है क्योंकि लोक कथा है। लोक कथा है ये, लोक कथा में जब हम लोक भाषा में जाते हैं बहुत सारे शब्दों में बदलाव परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ये वैसा ही है मेजबान शब्द को लोक कथा के लोक भाषा के अनुसार उसको मेजबान कर दिया गया। अच्छा विजयन वर्मा जी आपने बताया। अच्छा इसको लिखने के तरीके में भी जा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है ना, तो उसे बिंदु कहते हैं। नुक्ता उस बिंदु को नुक्ता कहने का भी एक अपना मजा है। शब्द बड़ा अच्छा लगता है नुक्ता। नहीं मुझे तो नुक्ती याद आ जाती है। ये अरबी भाषा का शब्द। देखिए वो भी नुक्ती भी बिंदु 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 ही होती है। यहाँ पर भी बिंदु लगाई है बट ये है अरबी भाषा का प्रयोग और उन्होंने फारसी में भी इसका प्रयोग करते हैं नुक्ता। और इसके उच्चारण का तरीका है कि जीभ का जो अंतिम छोर है उसको दांत के पीछे हल्का सा ले जाएं और बोले जा। जैसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग बच्चों को बड़ा ना मजा आता है। वो कक्षा में बच्चों से कहते हैं बोलो जिंदगी, तो बड़ा अच्छे से बोलता है बच्चा एक्शन के साथ जिंदगी। तो इस तरह से हम नुक्ते के उच्चारण का अभ्यास करवा सकते हैं और बच्चे को भी अच्छा लगता है कि उसको एक अलग भाषा। और हम उसको ये भी बताएं कि बेटा तुम केवल हिंदी नहीं सीख रहे हो यहाँ पर, हाँ तुम हिंदी उर्दू संस्कृत अरबी फारसी सभी भाषाओं के शब्द है, इतने सारे शब्दों को सीखोगे मतलब इतनी भाषाएं तुमको आने लग जाएंगी तो बच्चा और उत्साहित होता है। मध्य प्रदेश की बोलियां है इसमें समाही, हाँ उसका। और दूसरा ये कि उसको अपने राज्य की लोक संस्कृति के विषय में भाषा शैली के विषय में ये भी जानकारी होती है। और जो भाषा हम बोलते हैं जो हम वाक्य बोलते हैं उसके उतार चढ़ाव से बच्चा अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे किसी चीज को सीधा डायरेक्ट ना मंग करके वो एक अच्छा सुंदर तरीके से वो चीज को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल, तो ये अपना कौशल विकसित करना है अपने को लोक कथा के माध्यम से। मेरे ख्याल से आपने तो पढ़ाया ही होगा ना अपनी कक्षा में, कैसे पढ़ाया होगा आपने? नहीं पहले तो मैं उस लोक कथा को खुद पढ़ती हूँ। राम चिन्ह यहाँ के बच्चों को एक बार सुनाती, आप ध्यान से सुनिए मैं कहाँ जी जी हम इसी को शायद आदर्श वचन कहते हैं। कहाँ मैं लंबा रुकती हूँ और कहाँ कम रुकती हूँ, तो बच्चे को देख पहले आप ध्यान से देखिएगा फिर मैं आपको पढ़वाती हूँ। तो बच्चे ध्यान से देखते हैं कि मैडम कैसा पढ़ रही है, अर्थात वो पहले अपने मुझे सुन रहे हैं, उनमें सुनने का कौशल विकास होने लगा। जैसे मैंने कहा कि आप ध्यान से सुनना, तो पहला कौन सा कौशल का विकास होने लगा? सुनने का। इसमें भी यही बताया गया पहले बच्चा क्या करेगा, सुनेगा। देखिए एक परिवार, एक काम कीजिए ना आप आदर्श वचन कीजिए जी, और मैं अनुकरण, हम लोग अनुकरण वचन जी, करते हैं। और मेरे साथी जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि वे अनुकरण वचन करें जी, या ध्यान से सुने। एक परिवार में ये तो पति पत्नी रह रहे थे। एक परिवार में पति पत्नी रह रहे थे, दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। दोनों बड़े प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। एक बार उनके घर मेहमान आए तो दोनों बड़े खुश हुए। दोनों बड़े खुश हुए। पति ने कहा, इनका स्वागत करो, इनका स्वागत करो, बहुत दिनों बाद ये आए हैं, मेहमानों को जलपान कराओ, जलपान कराओ। हाँ तो ये देखिए यहाँ मैं थोड़ा रुकी थी है ना, आए तो हाँ तो दोनों हाँ निपात तो हाँ निपात यस, ये निपात भी साथ में बच्चों को बताना है। हाँ, हाँ, कि अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वो निपात कहलाते हैं। आए तो दोनों दोनों अर्थात हाँ, ये जो परिवार में पति पत्नी उन दोनों के लिए आया ये दोनों हाँ, शब्द बड़े खुश हुए। पति ने कहा, यहाँ भी रुके तो किससे कहा, उनकी पत्नी से कहा हाँ, कि इनका स्वागत करो। इनका किनके लिए आया है, जो मेहमान आए हुए थे मेजबान उनके लिए आया है। तो ऐसा बच्चों को क्लियर करके हर शब्द का अर्थ बताना कि किस परिस्थिति में वो शब्द आया है, वो क्या अर्थ निकाल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर मेजबान शब्द अभी आया ही नहीं है, मेहमान शब्द आया। हाँ मेहमान आया है ना, हाँ इसका मतलब है मेजबान यानी पर्यायवाची समानार्थी मेजबान का
मेहमान कि उनको एक सबने एक और आंख उनका मेहमान भी उनको मेहमान भी कहा तो जाता है। मेजबान का अर्थ मेहमान है कि जिनके घर में लोग आते हैं वो मेजबान कहलाते हैं। नहीं, ये अंतर भी हमको बताना पड़ेगा ना। अच्छा अच्छा ठीक है ना। मेहमान और मेहमान नवाजी ये भी शब्द हाँ, बनते हैं। तो जो उनकी आवभगत करता वो मेहमान नवाजी हाँ, है ना? हाँ, जो जाए या जो आए हैं हाँ, जैसे अपन भी कहीं जाएंगे तो अपन मेहमान कहलाएंगे ना घर के। और मेजबान मेजबान ये तो आप बता दीजिए, हम एक कंफ्यूज होने लगे। असल का मैडम मैडम मैं जहां तक समझ मुझे समझ में आ रहा है मेहमान यानी तो मेहमान है पर मेजबान वो जो मेहमानों का स्वागत कर रहा है जिसे कि हम सही शब्दों में कह ले तो उसे हम मेजबान कहते हैं। तो शायद ये मेजबान ही वो हैं जिनके घर मेहमान आए हुए हैं जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं। परिवार में जो पति पत्नी इनके लिए ये शब्द आया क्या? जी जी जी। क्यों जैन मैडम मैं सही कह रही हूँ क्या? हाँ अब देखिए ये तो कंफ्यूजिंग वाला विषय हो गया है कि मेजबान किसके लिए आया है, मतलब कहानी का जो शीर्षक है ये शब्द किसके लिए आया, किसके लिए आया हुआ है? मेहमान के लिए आया है ये मेहमान नवाजी के लिए? ये मेरे हिसाब से तो उन्हीं के लिए आया है जिनके घर मेहमान आए हैं क्योंकि पापड़ देना तो वही भूल गए थे ना। हाँ बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर यदि हम इससे अंदाजा लगाएं बच्चों से कहें कि ढूंढो कि मेजबान यानी मेहमान होता है या मेजबान यानी वो लोग होते हैं जिनके घर मेहमान आए हैं तो वो पूरी कहानी को बार बार पढ़ेगा और अंदाज लगाने की कोशिश करेगा तो उस इस पूरी कहानी में कहीं पर भी जो मेहमान हैं उनके लिए मेजबान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। सही कहा जैन मैडम, ये कहीं आया नहीं बीच पूरी जो लोक कथा है इसमें कहीं मेजबान शब्द नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि मेजबान कौन है? जिनके घर मेहमान गए हैं। हाँ गए हुए हैं मतलब वो जो पति पत्नी है वो मेजबान है और वो मेजबानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो बारात जब आती है जी, तो हम बोलते हैं कि मेहमान बारात और मेजबान यानी हम जो स्वागत कर रहे हैं। पंडित जी जब वो कन्यादान वगैरह के लिए बुलाते हैं हाँ। तो आप ध्यान से सुनना उन लोग कहते हैं ये वाली बात कि आ जाए मेजबान आ जाए तो मेजबान मतलब जो बारात झेल रहे हैं जी लड़की पक्ष के। हाँ सही कहा है। तो ये इस तरीके से हमें बच्चों को भी उनका हाँ, दिमाग का जो है कोना कोना खिड़की पूरी उत्सुकता उनकी उत्सुकता जो है वो बहुत सारे प्रश्न करती है हाँ, और उनके सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें ऐसे ही देने पड़ेंगे और बहुत तर्क हाँ, शैली के साथ करना पड़ेगा क्योंकि जब तर्क हम करते हैं तो बच्चा व्यस्त हो जाता है। नहीं और ये बात ठीक है उसको चर्चा में लेना है हमें सिर्फ बच्चे को पढ़ाने के लिए लेंगे तो बच्चा शायद बोर हो जाएगा और अगली बार कोई प्रश्न भी नहीं करेगा। इसके जितने भी पार्ट है ना आपस में शिक्षक और जो विद्यार्थी है चर्चा ही है इसमें आपस में चर्चा के माध्यम से ही वो बच्चों को समझाना है और फिर पीछे कार्यपत्र तक लास्ट में। हाँ इधर शिक्षक संदर्भ कम है इसमें इसका जो अधिगम बिंदु है वो भी यही दिया हुआ है सबसे पहला कि शब्द भंडार में वृद्धि होना चाहिए जी। तो केवल शब्द बोलना नहीं आना चाहिए उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। फिर दूसरा भाषाई विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए कि मतलब जिस भाषा की जो विशेषता है जैसे मेजबान शब्द है तो ये हमको उसमें नुक्ता लगा हुआ है तो हमको उस लहजे में उससे उसको बोलना चाहिए और मेहमान शब्द है ये भी तो वहीं का है। जैन मैडम एक प्रश्न इसी से संबंधित मेरे दिमाग में आता है ये लोक कथा क्या चीज है? बिल्कुल लोक कथा मतलब लोक में बसने वाली कथाएं मतलब लोक यानी पूरा जनता अभी हम लोकतंत्र की भाषा में कहें तो जनता वो जनता जो गांव में रहती है जो ऐसे एक विशेष इलाके में रहती है जैसे हमारे यहाँ हम देख लेते हैं वो ऐसा नहीं मैडम लोगों के द्वारा कही हुई कथा या कहानी छोटी छोटी जैसे लोकोक्ति लोक में उक्ति अथवा लोगों के द्वारा कहा गया कथा वैसे ही ये लोक कथा ये लोगों के द्वारा कही हुई कथाएं हैं बड़ी नहीं छोटी छोटी बस ज्ञान वर्धक है ये। जी बिल्कुल लोक कथाएं जो होती है ना वो समाज का आईना होती है। हमको छोटी छोटी सी बातें जो है लोक कथा के माध्यम से पता लग जाती है हाँ। कि किस जगह की क्या रीति रिवाज है वहाँ के रहन सहन क्या है वहाँ की बोलियां कैसी है कुरीतियां कैसी खान पान बिल्कुल खान पान जैसे अब बुंदेलखंड जाएंगे तो वहाँ की रीति रिवाज
बोलने का ढंग अलग मिलता है, और हम यदि जैसे महाराष्ट्र में सौसर और इधर से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ का हमको अलग मिल जाता है। हाँ, अरे वो छोड़िए, अभी तो हम चांद चले जाएंगे तो हमको अपनी भाषा अलग मिल जाती है, अमरवाड़ा जाते हैं तो भाषा अलग मिलती है, तामिया जाते हैं तो अलग मिलती है। ये सब लोक भाषाएं हैं, और इन लोक भाषाओं में यदि हम कोई बात करते हैं तो वो लोक कथा भी बन जाती है, लोक विवरण भी बन जाती है, और लोक कथाओं के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोक कथाओं के माध्यम से सामने आती हैं। बहुत ही मशहूर लोक कथा जो है वो हमारे इस पाठ्यक्रम में दी गई है, ये बुंदेलखंडी लोक कथा है, और इस लोक कथा संग्रह का शीर्षक ही मेजबान है। तो ये कभी पुस्तक कभी हमारे हाथों आए तो इसे पूरा तो जरूर पढ़ना चाहिए, कि उसमें ऐसी इस तरह की अनेक कथाएं, छोटी छोटी अलग अलग कथाएं और बिल्कुल दी गई हैं। तो हम लोक कथा एक तरीका और होता है कि अभी छुट्टियां भी लगने वाली रहती हैं बच्चों की, इस बार तो पिछले बार तो जुलाई में शुरू किया था लेकिन अभी जो है अप्रैल में शुरू कर दिया है, तो एक महीने का समय है। हम बच्चों को कह सकते हैं कि भाई इस लोक कथा के कुछ चित्र बनाओ और ऐसे कॉमिक्स जैसे उसको लगा के अपने प्रोजेक्ट कॉपी में बना कर लेकर आओ, तो बच्चा करता भी है। जी जी, इससे बच्चे की क्या है कि थोड़ी सी कलाएं विकसित और होंगी, शायद वो चित्र अच्छे से बनाना सीख जाए, वो लिखना वाक्य बनाना सीख जाए, और सबसे बड़ी चीज है कि कॉमिक्स बनाना मतलब उसको कॉमिक्स ढूंढ के उसको पढ़ना भी पड़ेगा कि उसको बनाया कैसे जाता है, तो वाचन शक्ति भी उसकी बढ़ेगा, शब्दावली शब्द भंडार अपने आप ही इससे बढ़ने लगेंगे, उसके भी करने लगेगा कि जी, और इसी कौन सी लोक कथा बनाऊं जी, उन्होंने तो पापड़ इस तरीके से मांगा है, तो वो कोई दूसरी चीज मांगना रहा तो वो कैसे मांगेगा, इसके दिमाग में ये कल्पना भी जागेगी। जी चलिए, अब हम इसी कथा के आधार पर थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर लेते हैं कि आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है क्या, क्यों, कब, किसको और कैसे। हमने शायद इस मेजबान कथा के माध्यम से, इस लोक कथा के माध्यम से आपस में ही चर्चा कर कर ये देख लिया है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जी, क्योंकि हमने जैसे इस पर भी हम फिर से चर्चा कर लें, हमें क्या पढ़ाना है, हमें एक लोक कथा पढ़ानी है। जी, क्यों पढ़ाना है, ताकि वो बच्चा किसी समाज से, उसके रीति रिवाज से, उसके शब्दों से, उसकी भाषा से जुड़ सके। कब पढ़ाना है, जब हमें इसे अच्छे से बच्चे को समझ में आए, बच्चा इस मामले में उत्सुक हो, तब हमको उसको उत्सुकता बढ़ाने के लिए उसको पढ़ाना है। पर किसको पढ़ाना है, स्वाभाविक सी बात है कि बच्चों को पढ़ाना है, और कैसे पढ़ाना है, बहुत ही रोचक तथ्यों से पढ़ाना है, कुछ गतिविधियों से पढ़ाना है, कुछ चर्चाओं से पढ़ाना है, और ऐसी चर्चा करनी है, ऐसे ऐसे इस ढंग से पढ़ाना है कि बच्चे के अंदर जिज्ञासा जागृत हो और वो कुछ प्रश्न पूछे और उसका समाधान कारक हम उसे उत्तर भी दे पाए। ब्रिज होस्ट से सभी पाठ को इसी तरह से पढ़ाना है। जी, एक बात मैं इस पाठ के माध्यम से कहना चाहूंगी जी, कि देखिए ये हम लोग हमारे घर में कोई आता है तो आजकल, पहले तो ऐसा है ना, अभी हम किसी गांव में चले जाएं, गांव के छोटे से घर में चले जाएं, तो अभी भी वहां यदि दरवाजे पे कोई आ जाए तो वो झट से बोलते हैं आइए आइए बैठिए, और जो भी कुर्सी या टेबल जो भी व्यवस्था घर में है, सोफा है, तो उसको वो थोड़ा सा हाथ फेर के साफ करते हैं और बैठिए 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 बोलते हैं, नमस्ते तो सबसे पहले ही करते हैं, और फिर झट दौड़कर जाते हैं और गिलास भर के पानी ले आते हैं। ये अतिथि सत्कार की परंपरा हमारे भारत की विशिष्ट पहचान है, लेकिन क्या आजकल शहरों में हो रही है ऐसी, हम तो दरवाजे पे ही खड़े होकर क्यों भाई क्या काम है, किसके यहाँ आए हैं, किसके यहाँ आए हैं, क्या काम है आपको, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, हाँ अभी जाइए बाद में आना, तो हम अतिथियों को इस तरह से सत्कार करने लगे हैं। हाँ ये भी है कि सावधानी हमको ये परिस्थिति जन्य है, हाँ परंपराएं जो है थोड़ी लुप्त होती जा रही है, तो भी हम इतना तो कर सकते हैं खुवरिया मैडम कि कोई दरवाजे पे आया तो हाँ बताइए क्या काम है आपको, थोड़ा पोलाइटली बोले पहले, उनका अभिवादन करें बिल्कुल उनसे, फिर उसके बाद उनसे फिर हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये व्यक्ति गलत है तो हम भले ही उसको घर में आकर बैठने के लिए ना कहें, लेकिन एक गिलास पानी पिलाने में कोई मजा नहीं है मेरे ख्याल से। बच्चों में ही कौशल विकसित करना है, जो हम देख रहे हैं चिड़ियों को पानी रखने की बात करते हैं, वो घर आए व्यक्ति को पानी तो पिला ही सकता है।
तो ये अतिथि सत्कार की परंपरा हम ना जाने दें अपने देश से, अपने घरों से, और बच्चों के बीच तो चूंकि उनको संस्कार देना है हमें, तो उनको शिक्षा की बात बताता, मेरे ख्याल से बच्चा ज्यादा सीखता ज्यादा मानता, मैं भी ये बात मानती हूँ जी, कि अपने बच्चे अपने से कम सीखते हैं, शिक्षक से ज्यादा सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब हमें ब्रिज कोर्स में हमें हमारा उद्देश्य क्या है, ये ब्रिज कोर्स का हमारे लिए इस पाठों को पढ़ने के लिए सबसे मुख्य उद्देश्य उसके भाषा कौशल को बढ़ाना है। भाषा कौशल कैसे बढ़ेगा, जब बच्चा सबसे पहले सुनेगा। बिल्कुल, जब वो किसी चीज को सुनेगा तो उसको बोलने का प्रयत्न करता है, जैसे छोटा बच्चा होता है शब्दों को सुन सुनकर ही बोलना सीखता है, वैसा ही फिर वो बोलता है। जी जी। उसके बाद उसे बोलना है, बोलने के बाद वो धीरे धीरे लिखना सीखेगा, और जब वो लिखते लिखते अक्षरों की पहचान करेगा तब उसे पढ़ना भी आ ही जाएगा और वो पढ़ना भी सीख लेगा। तो इस तरह से एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते उसके अंदर भाषा कौशल का विकास होगा। इसलिए हमें भी अपना आदर्श वाचन करना है, क्योंकि जब हम आदर्श वाचन करेंगे तो बच्चा उसे सुनेगा जी। उसके बाद वो उसे बोलने के लिए यानी उसका अनुकरण वाचन करेंगे, फिर अनुकरण वाचन करने के पश्चात वो हम उसे कार्यपत्रक देते हैं, कार्यपत्रक में वो लिखता है, लिखने के बाद हम उसे वही चीज फिर से पढ़ने को कहेंगे तो वो पढ़ेगा भी। तो इस तरह से उसके भाषा के कौशल का विकास होगा। इसमें एक चीज जोड़ना चाहेंगे, वैसे आप इसकी चर्चा पहले कर चुकी हैं जी, लेकिन जैसे हम कक्षा में क्यों जा रहे हैं, हम भी सोचे कि हम कक्षा में क्यों जा रहे हैं, एक शिक्षक कक्षा में क्यों जाता है, तो कक्षा में बच्चा क्यों आ रहा है, पढ़ने के लिए और शिक्षक क्यों जा रहा है, पढ़ाने के लिए। तो पढ़ने के बाद यानी बच्चा कक्षा में आया है और उसने पढ़ा लेकिन वो कुछ सीखा नहीं जी, तो हम क्या बोल देते हैं उसको, बुद्धू है जी, उसको कुछ नहीं आता जी। और एक शिक्षक कक्षा में जा रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं आया, तो शिक्षक को क्या कहना चाहिए मैं नहीं कहूंगी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बहुत अच्छी बात रखी है, हर पाठ के साथ सीखने के प्रतिफल। हम उस पर थोड़ी चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि ये वो दक्षताएं होती हैं जो एक शिक्षार्थी यानी एक बच्चा पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उस कौशल को हासिल करता है जी। यदि उस कौशल को उसने हासिल कर लिया है तो हम मानते हैं कि वो सीखने का प्रतिफल यानी आउटकम्स जी वो उसे प्राप्त हो गए हैं, और जब उसे प्राप्त होते हैं तो वो गुणात्मक रूप में भी दिखाई देते हैं और मात्रात्मक रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जब वो परीक्षा देगा तो उसको अंक बहुत अच्छे मिलेंगे, तो ये उसके मात्रात्मक हो गए, और गुणात्मक जब हम उससे बात करेंगे तो हमको महसूस होगा कि बच्चा बहुत कुछ सीख चुका है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हर पाठ के साथ उसके सीखने के प्रतिफल यानी कौशल रखे हुए हैं, और जब हम परीक्षा लेते हैं तो हम ये इन्हीं का ही मूल्यांकन करते हैं कि हमारा कौशल था शब्द भंडार में वृद्धि, हमने मूल्यांकन किया और उसको प्रश्न दिया कि इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका पर्यायवाची क्या है, इसका विरोधी क्या है, इसका मुहावरे का प्रयोग करो। जब वो बच्चा कर लेता है तो हम ये समझते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चे ने सीख लिया, मतलब उसके शब्द भंडार में वृद्धि हुई है। और मान लो नहीं कर पाया है, इसका मतलब कहीं तो कमी है, वो कमी हमें ढूंढनी चाहिए, या तो वो कमी हमारे पढ़ाने के स्तर पर होगी, हम पढ़ा तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन बच्चा उतना समझ नहीं पा रहा है, हमें उस बच्चे के लेवल से पढ़ाना है जी। मैं PhD हूँ और मैंने PhD लेवल का पढ़ा दिया, बच्चे को भी समझ आया ही नहीं। हमें ध्यान रखना है कि बच्चा 3 से 5 के स्तर का है या 6 से 8 के स्तर का है या 9वीं में आ गया है, तो हमको उस स्तर पर जाकर पढ़ाई करना है। बिल्कुल सही कहा आपने जी जी। ये हमारा तो अभी यहाँ उद्देश्य भी यही है कि 3 से 5 के स्तर का बच्चा भी जब बेसलाइन एंडलाइन टेस्ट का समाप्त करेगा उसके बाद वो 9वीं के स्तर पर होगा। बिल्कुल, तो जुलाई तक तो नहीं बल्कि हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अप्रैल तक ही वो 9वीं के स्तर। बिल्कुल, जब भी जून में भी हमारे विद्यालय अगर खुले तो हमें ये महसूस हो कि वो बच्चा अपना स्तर बिल्कुल हमारी हमारे सहायता से अपनी मेहनत से बढ़ा चुका है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका हमें ध्यान रखना है। आप इसे सीखने के उद्देश्य में आप इसको बताइए स्लाइड के सीखने के उद्देश्य या सीखने के परिणाम
एक पाठ के लक्ष्यों और अपेक्षाओं को परिभाषित करते हैं। व्यक्तिगत पाठों के लिए सीखने के उद्देश्य एक इकाई या पाठ्यक्रम के व्यापक लक्ष्यों से जुड़ते हैं, यानी जो चीजें हम उनको सिखाना चाह रहे हैं उसका केवल एक उद्देश्य नहीं है, उसके बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। तो हम हमारी जो इकाई और हमारी जो पाठ्यक्रम है उसके सीखने के अलग अलग उद्देश्यों से उसको जोड़ रहे, ताकि वो बहुत सारे लक्ष्यों को भविष्य में प्राप्त कर सके। हो सकता है हमने उसके लिए एक लक्ष्य चुना हो, उसने अपने लिए कुछ और लक्ष्य उसने चुन लिया हो। हमने कहा तुमको पढ़ना आना चाहिए, उसने सोचा कि नहीं मुझे तो लिखना भी आना चाहिए। ये भी एक उसके अंदर के गुण विकसित हो सकते हैं। ना केवल सीखने के उद्देश्य आपके पाठ्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं, वे छात्रों को यह भी बताते हैं कि उन्होंने एक विशेष पाठ के अंत में क्या सीखा। तो शायद जैन मैडम ये जो कार्य पत्रक पीछे दिए हुए हैं हमारे हर पाठों के पीछे कुछ जो कार्य पत्रक दिए गए हैं वो शायद इसीलिए दिए गए हैं कि हम ये पता लगा सकें कि उस बच्चे ने पाठ में पाठ के अंत में क्या सीखा और कितना सीखा। अच्छा, इसको हल कराने के लिए हम ये कोशिश ना करें कि हमने पेंसिल से भर के दे दिया और उन्हें उतार दिया। हम पहले तो ये कोशिश करें कि बच्चा स्वयं पाठ पढ़कर उसको हल करे। जी, जब वो पाठ पढ़े तो उसे आधे से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर पता होना चाहिए। जब तक वो कार्य पत्रक तक पहुँच रहा है तो फिर कुछ जगह वो अटकता है, तो हम उन चीजों को उसको फिर से समझाएं ताकि वो आगे कर सके। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर ही मेजबान क्या है या मेहमान क्या है। जी, तो ये जो कार्य पत्रक इनका दिया हुआ है इसमें कॉलम अ और कॉलम ब जिसको आपस में जोड़ना है, इन्होंने बराबर लिखा हुआ है कि देखिए आतिथ्य यानी क्या, आतिथ्य करने वाला कौन, अतिथि कौन, पकवान क्या, युक्ति भिड़ाना क्या, व्यंजन को क्या कहेंगे। आतिथ्य करने वाला यही मेजबान है जिसको कि हमने लोक भाषा में मेजबान कहा है। जी, और जो जिसका आतिथ्य किया जा रहा है वो कौन है, वो अतिथि है, वो मेहमान है। और आतिथ्य यानी आतिथ्य जो कर रहा है, मेहमान नवाजी जो शब्द भी हमने अपने बातचीत में इस्तेमाल किया था। युक्ति भिड़ाना, जी युक्ति भिड़ाना, युक्ति लगाना, वही जुगत लगाई थी हमने भी कि हमने मेजबान को मेजबान सिद्ध कर दिया। जैसे बच्चा अभी आम बहुत अच्छे हो रहे हैं पेड़ में और बच्चा आम देखता है, वो बहुत ऊपर है, बच्चा तो छोटा सा है, वो युक्ति लगाता है और झट से ज्यादा देर नहीं लगती है, दिमाग लगाना, मैं दिमाग लगा दूं अभी। वो नीचे से एक पत्थर उठाता है और जोर से मारता है उसका, पहली बार में उसका पत्थर ऊपर नहीं जाता है, तो दूसरी बार वो थोड़ा उचक कर मारता है, तीसरी बार और उछल कर मारता है। तो ये युक्ति लगाना ही कहना, यही है युक्ति, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना, यही उसकी जुगत। हाँ, यही इसका, यही इसकी एक और कार्य पत्रक तीन जो है इसका बहुत ही शानदार है, ये तो बच्चा पूरा कर लेता है। तो उसे तो केवल मीठा, नमकीन और खट्टा। हम कोशिश कर सकते हैं कि बच्चे से एक दिन पहले ही कहें कि चलो तुम आज अपने टिफिन में कुछ मीठा, नमकीन, खट्टा लेकर आना, तीन तरह की चीजें, और मतलब वो घर से ही प्रिपेयर होकर आ रहा है गतिविधि के लिए। ये वो लिस्ट बना के लिए अपनी रफ कॉपी में। हाँ, वो हो जाता है वाला काम, भारी होता है ना मैडम। कुछ अच्छा और क्या है, जब पक्के आएगा तो वो घर से ये चीज ध्यान रखेगा कि नहीं कुछ अलग, कम से कम तो तीनों चीजें नहीं लेके जा रहा तो कुछ एक तो लेकर जाए, और जो वो लेकर आ रहा है उसे पता है कि वो मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है। एटलीस्ट अपन उसको कहें कि यदि तुम्हारे पास कोई मीठा नहीं है तो शक्कर का दाना तो ला ही सकते हो, एक दाना ले आना। तो ऐसा हम करवा सकते हैं रोचक गतिविधियों के माध्यम से। कहने का आशय ये कि हर पाठ के साथ कोई ना कोई रोचक गतिविधि हम तब करवा पाएंगे जब शिक्षक उस पाठ को, उसकी गतिविधियों को और उसके सीखने के कौशलों को पहले से पढ़े हुए रहेंगे, रुचि लेकर पढ़ाए। जी जी बिल्कुल। क्या होता है कि शिक्षक जितनी रुचि लेता है बच्चा उससे ज्यादा रुचि लेता है, क्योंकि पाठों की संख्या तो ज्यादा है ही नहीं, तो अपना भी हो जाएगा। बताओ इलेक्शन के बाद भी आए तो भी ये हो जाएगा। जी बिल्कुल। इसके साथ ही जो बच्चे को सिखाना है वो है उपसर्ग की जानकारी, मतलब शब्द कैसे बनाए जा सकते हैं, और उसमें संस्कृत, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। जैसे उर्दू का शब्द है, मैं आपको बहुत मजेदार बात बताती हूँ, सुंदरता के लिए हम उर्दू में कहते हैं खूबसूरत, और उसका हम विरोधी करते हैं तो बदसूरत हो जाता है। तो सूरत यानी सुंदर नहीं होता, सूरत में सुंदरता और गुण दोनों शामिल होते हैं।
अब यदि हम इसमें उपसर्ग बदल दें, खूबसूरत की जगह सुसूरत कर दें जी, तो लोग हमारे शब्द सुनकर पहले तो हंसेंगे। हाँ। क्यों हंसेंगे? क्योंकि हम पूछे कारण क्यों हंसे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी हमको बच्चे को कारण बताना है कि सूरत शब्द उर्दू का है जी, और उपसर्ग हिंदी का है। हाँ। हिंदी का उपसर्ग उर्दू के साथ नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। ऐसा तो इस तरह का हम शिक्षण करें बच्चे को, बहुत रोचक लगता है। और देखिए अंतर बताते हुए जी बिल्कुल, ये किस भाषा का है। चलिए बहुत हमने मेजबानी कर ली है, अब अंतरिक्ष की सैर कर लें थोड़ी सी। जी जी, ये जो अंतरिक्ष की सैर है इसमें सीखने, इसमें जो कौशल है या सीखने के प्रतिपल है उसमें एक सबसे बड़ी चीज इन्होंने ये लिखी है, क्योंकि ये विज्ञान परक है। विज्ञान के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे बच्चे आज भी अपरिचित हैं, तो अपरिचित शब्दों के अर्थ उनको शब्दकोश से ढूंढना, और वो शब्दकोश को कैसे खोलना है, जिसमें से शब्दों को कैसे ढूंढना है, ये भी हमें उन्हें शब्दकोश खोलने के बाद सिखाना पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं पूछना चाहूंगी कुबरिया मैडम, आपने कभी पत्र लिखा है? हाँ लिखा हूँ। किसको लिखे हैं? मैंने अपने पिताजी को लिखा हूँ, जब मैं बाहर पढ़ती थी हॉस्टल में रहकर, छात्रावास में रहकर पढ़ी हूँ मैं। जी जी, तो मैं अपने पिताजी को लिखती थी पत्र। तो क्या इन पत्रों में ऐसा नहीं हो सकता कि हम पत्र केवल गद्य के ही पैटर्न में लिखते हैं तो उसको कविताओं में भी बदला जाए कुछ? नहीं, बदल सकते हैं ना, वो तो अपनी भावना है जिस भी रूप में प्रकट करना चाहे। जी जी, है ना बिल्कुल। मैंने जब मैं छोटी थी तो मैंने अपनी बुआ और चाचा बड़े थे लेकिन उनको मैं पत्र लिखती थी, तो मुझे मेरी मम्मी से जो शिकायतें होती थी वो मैं लिखती थी और उस बहाने मेरी बहुत सुंदर कविताएं बन जाती थी। तो उन कविताओं के माध्यम से पत्र भी चला गया और अंतरदेशी भी छोटा पड़ जाता था, इतना सारा हम पत्र लिखते थे। अभी यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर पत्र है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन तो राष्ट्रपति रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, लेखक भी है, कई सारे पुस्तकें हैं उनकी, इसलिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन उनकी प्रसिद्धि इस बात में है कि उन्होंने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। अब हमारे यहाँ स्कूल में जब पुत्र के पिता आ जाते हैं जी, तो हम उनका आतिथ्य सत्कार तो करते नहीं है, नॉर्मली से हम तो खड़े खड़े ही उनसे बात करते हैं जी। होना ये चाहिए कि कक्ष हो या नहीं हो तो एक जगह हो जहाँ बालकों को बिठा सके जी, उनका आतिथ्य सत्कार करें, उनके लिए पानी तो कम से कम पूछे और फिर उसके बाद उनकी बात सुने कि आप बताइए आप अपने पुत्र के लिए क्या बोलना चाहते हैं। भले ही वो कविता नहीं कर पा रहे लेकिन अपनी बात तो कह सकते हैं। जी जी, यहाँ पर बहुत सुंदर बात उन्होंने अपने शिक्षक को कही है, अपने पुत्र के शिक्षक को जी। और उन सारी बातों में जो मुख्य ये है कि वे भले ही पाठ कम पढ़ाएं जी, लेकिन वो अपने मेरे बच्चे को झूठ बोलना ना सिखाए, वो मेरे बच्चे को ईमानदारी सिखाए, ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो मानवीय मूल्य है उनको जी, वो यही चाह रहे हैं कि बच्चा भले ही कम पढ़े लेकिन जो पढ़े वो अच्छा पढ़े, और सही पढ़े। बिल्कुल, मैं तो इसका एक आदर्श वाचन भी करना चाहूंगी मैडम। जी जी, यदि आप अनुमति दें तो। बिल्कुल, देखिए मैं पढ़ती हूँ और ये तो मेरे ख्याल से जो शिक्षक नहीं है उन्होंने भी ये कविता पढ़ी हुई है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इसका हिंदी भावानुवाद किया है मधु पंत ने 2004 में। तो मैं पढ़ती हूँ जी। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु तुम्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। वाह वाह, क्या बात। देखिए तुकांत भी कितना बढ़िया है, बहुत बहुत ही, और बहुत अच्छी बात बहुत अच्छे शब्दों में कह दी, छोटे से शब्दों में। देखो मैं इसके बीच के का एक पद लेना चाहती हूँ, उसे दिखा सको तो दिखाना, किताबों में छिपा खजाना। देखिए अब यहाँ नुक्ता भी आया, इसको हम खजाना ना पढ़े, हम इसको पढ़े किताबों में छिपा खजाना।
और नुक्ते पर ध्यान देंगे अगर हम, तो शायद ख के नीचे भी नुक्ता है। जी 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 बिल्कुल, खा और जा दो के नीचे ऐसा निकालना पड़ेगा अपन गले से। और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पंछियों का आह्लाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विलक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, प्रकृति से जोड़ने की यहाँ पर बात की है। अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि उसे यह भी सिखाना, धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। बात तो बहुत सही है, ये हम शिक्षकों को भी सीखना चाहिए। हमने कहा गतिविधियों की जो कार्य पत्रक है अपने भर के दे दिया, धोखे से नहीं सिखाना बच्चे को। और हमें खाना पूर्ति भी नहीं करनी है। और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। हमें कम से कम शिक्षकों को आशान्वित होना चाहिए कि बच्चा पढ़ लेगा, अभी नहीं पढ़ रहा है लेकिन पढ़ लेगा। मैंने पढ़ाया हूँ तो वो जरूर पढ़ेगा। हाँ, अक्सर ये जुमला हमारे सामने आने लगा है कि अरे ये बच्चों को तो कुछ नहीं आता, मेरे घर से इसको छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर अब्राहम लिंकन यही तो अपेक्षा कर रहे हैं शिक्षक से, चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं पर अपनी आस्था बनी रहे यह विचारणीय है। ऐसे में बच्चों को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता और वही बच्चा आगे निराश होकर बड़े बड़े ऐसे हानिकारक कदम उठाता है जो देश और समाज, देश और समाज के लिए, मानवीयता के लिए भी हानिकारक नहीं होते। बहुत ही सुंदर कविता है इसका, तो विधिवत 2-3 बार आदर्श वाचन और छोटी छोटी उसके अलग अलग जो इसकी जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और सतह की अंतरात्मा की सही आवाज सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। तो बहुत सुंदर है, मैं तो चाह रही थी कि मैं इसको पूरा पढूं लेकिन हमारे समय की बाध्यता है, हम और भी विषयों पर यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। कविता का आदर्श वाचन अनुकरण वाचन करने के उपरांत हम उनसे शुद्ध लेख जरूर करना है और साथ में उसका अर्थ भी लिखना है। हाँ, यहाँ तो उनकी पुस्तिका में खंड दिया गया है, मैं तो चाहती हूँ कि कॉपी खुलवाएं और पूरे कॉपी के पेज भर के श्रुत लेख करना। हाँ, क्योंकि 4-5 लाइनों में जो श्रुत लेख है, शुद्ध लेख है, वो उनके लिए संभव नहीं है। और केवल कठिन शब्द का नहीं, सरल शब्दों का, और सरलता से थोड़ा कठिनता की ओर बढ़ेंगे तो बच्चा जब सही लिखेगा तो आगे के लिए भी सही लिखने के लिए उत्सुक रहेगा, लिखने की उत्सुकता भी उसके अंदर बढ़ेगी। जैसे अब्राहम लिंकन, इसमें ही देखिए एक संयुक्त वर्ण आया ब्रा ब्रा, तो और लिंकन में जो अनुस्वार आया है उसका भी उच्चारण, आजकल बच्चे बिंदी नहीं लगाते हैं, लगाते में नहीं लगाते हैं। हाँ, बहुत नहीं, और लगाएंगे तो कहीं भी लगा देते हैं। हाँ, कहीं ये भी एक विशेषता है उनकी, तो ये अब थोड़ी सी आदत में लाना होगा कि बिंदी लगाना एक कोई। देख, मैं इसी चीज पर अगर मैं अपने कभी इस विद्यालय में बच्चे जब बिंदी की बात आती है तो मैं उनको एक ही चीज बताती हूँ कि बेटा जब हम अपने माथे पर बिंदी लगाते हैं तो कहीं भी नहीं लगा लेते, बिंदी लगानी है करके चेहरे पर कहीं भी नहीं चिपका लेते हैं, उसकी भी एक निश्चित जगह है वहीं लगाते हैं। वैसे ही हिंदी में भी बिंदी का महत्व है, वो भी सही जगह लगनी चाहिए। और दूसरा एक हम देख रहे हैं कि बच्चा लिखता तो है लेकिन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उनको प्रश्नवाचक चिन्ह में उनको बहुत समझाना पड़ता है कि बेटा ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको याद ही नहीं रहता। तो क्यों ना हम एक माह कम से कम ब्रिज कोर्स के दौरान ये कोशिश करें कि जब तक वो विराम चिन्ह नहीं लगाएगा प्रॉपर, हम तब तक उसको लिखवाते रहे। जी, हम ऐसे अलग अलग सेंटेंस उसको बताते हैं क्या ये वाला विराम चिन्ह छूट गया है। हाँ, बिल्कुल, तो ये अभ्यास हो जाएगा। हाँ, और कम से कम वो विराम चिन्ह तो उसको बार बार अभ्यास में आएंगे जो हमें बार बार इस्तेमाल होते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत से चिन्ह का प्रयोग को तो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो बार बार हर 2 शब्दों के बाद भी उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों अगर उनकी आदत में आ गए तो भविष्य में बड़ा होकर जब वो निबंध भी लिखेगा तो पूरा पूरे नंबर उसको वहाँ मिल जाएंगे। इसके लिए शिक्षक को अथक प्रयास करना है, उसकी कॉपी देखना है प्रत्येक की, कहाँ गलती हो रही है ना। और इसके साथ ही इस कविता के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो है पत्र। जी, तो जनरली हम जो पत्र लिखते हैं
वो पिता को माता को मित्र को लिखते हैं छुट्टी के और लिए शिक्षक को प्रचार महोदय। तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि भाई भेजने वाले का पता क्या है, ये तो लिखे ही किसने लिखा है, ये होना ही चाहिए, दिनांक होनी चाहिए, एक संबोधन होना चाहिए। अभी हम कक्षा 12वीं की जब कॉपियां जांच रहे थे तो हमने देखा बच्चे संबोधन नहीं कर रहे हैं, लिख तो रहे हैं वो प्रेम मित्र, लेकिन मित्र को क्या हम नमस्कार नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, वो एक अभिवादन उनके पास में अभिवादन नहीं आ रहा नहीं है है उसमें। उनके पास और संबोधन आज और भी बारहवीं अभिवादन। का भी बच्चा सही, लेकिन आज भी वो जो संबोधन है और उसका अभिवादन है वो सही नहीं लिख नहीं कर पाता। पाता है क्योंकि हम अभिवादन करना छोड़ चुके हैं आपस में भी। हमें सिर्फ गुड मॉर्निंग कहने की आदत पड़ जी चुकी जी है, जो तो हमारे पत्रों पर हम नहीं मानते हैं कि ब्रिज ये कोर्स चले। के जब तक चलेगा तब तक हम एक नियम भी ले सकते हैं कि हम भी बच्चों को अभिवादन करें और बच्चे भी हमें अभिवादन करें जी और उसे लिखकर भी दिखाएं कि हमने जो अभिवादन किया उसको हम कैसे लिखेंगे और बच्चा अभिवादन कर रहा है उसको कैसे लिखेंगे। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। और फिर पत्र जिसने लिखा है और जिसको लिखा है जी उन दोनों के बीच का संबंध क्या है, पिताजी वो मित्र है या पिता पुत्र है, पिता जी पुत्री है, वो संबंध हमको पत्र में संदेश लिखने के बाद यहाँ पर अवश्य लिखना ही होगा कि आपका पुत्र या आपकी पुत्री, आपका और मित्र स्टार्टिंग है में ना। आदरणीय पिताजी हाँ, पूजनीय इस टाइप से। और पत्र लिखने का नाम तो रहता ही है। तो ये पत्र लेखन की विधा बहुत सुंदर है। पोस्टकार्ड और अंतरदेशीय जो कि लुप्त हो चुके हैं वो अगर देखा असंभव होगा। है तो हम उसको बिल्कुल बताएं, क्योंकि आज इकट्ठा भी हमारे करके पास पोस्ट ऑफिस पुराने जाने के बाद ये जी चीजें मिलती हैं। हाँ तो जी लेकर आए और बच्चों को दिखाएं कि ऐसा दिखता है पोस्टकार्ड, हाँ अंतरदेशी हाँ हाँ सूरत दिखाएं ये। बिल्कुल बस इतना है कि अभी हाँ पोस्ट ऑफिस अगर हम लेने जाते तो पहले पूछ लेते इतने हैं, वापस एक भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से उनके पास से भी बिकते हैं जी। इतना है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक गतिविधि कराएं जिसमें माउंट शीट से एक पोस्ट कार्ड जी बनवाएं बिल्कुल हाँ और उस पोस्ट सर कार्ड में हम बच्चों से पत्र लिखवाएं। अब चूंकि इसमें टिकट तो लगी हुई नहीं है तो हम रेवेन्यू टिकट खरीदते हैं तो देश का भी फायदा होता है। वो टिकट हम खरीद कर लाकर बच्चों से कहें कि चिपकाएं और इसमें एड्रेस लिखकर हमको भेजें, शिक्षक को भेजें। जी तो वो शिक्षक के पास सारे पोस्ट से चलकर आएंगे, फिर जब हमारे पास वो आ जाए लेटर तो हम उनको दिखाएंगे कि तुम्हारी चिट्ठी हमको मिल गई मिल है, गई है। उनको बोलेंगे आपको क्या समझ में नहीं आ रहा वो भी लिखकर भेजिए। जी, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका पत्र लिखन हाँ का हो सकता है जी और जी जिसमें मतलब प्रश्न पत्र के आप सर्वाधिक अंक हाँ पत्र लेखन में जी होते हमारे हैं। प्रशिक्षण में आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हमने कुछ एक नवाचार किया है, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि क्या है हर बार हम एक तरफ का प्रवचन सुनते हैं और फिर थोड़ा सा बोरियत महसूस करते कि भाई ये सब चीजें तो हमें पता है, हमें मालूम है कि आप सबको ये सब कुछ पता है, इसीलिए हम उस इसके कंटेंट पे कहीं नहीं जा रहे हैं कि किताबों में क्या पाठ है, कैसे पढ़ाना है, मतलब उस पाठों को क्या करना है, पाठ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कैसे पढ़ाना है उसको ना, लेकिन उनमें क्या क्या शामिल करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है, हमारा उद्देश्य इस वक्त सिर्फ इतना ही है कि आप इस पर ध्यान रखें कि बच्चे का अधिगम बिंदु, उसके पास का जो अधिगम क्षेत्र है वो कहीं कम ना हो जाए, कहीं ऐसी कोई चीज ना हो, कोई अवधारणा ऐसी ना हो जो छूट जाए ना, इसलिए हमें उसके विषय की भूमिका भी पढ़ानी है। पाठ तो हम पढ़ सकते हैं है ना, लेकिन क्या पढ़ाना है ये आप जानते हैं, कैसे पढ़ाना है ये भी आप जानते हैं, पर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वहां तक पहुंचनी चाहिए, बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, बस हम इन पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए जैसे अभी हमने इसी पत्र पर चर्चा की थी, तो इसमें हमने बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसमें इस पाठ से, जब हम उनको ये पाठ पढ़ाएंगे तो पाठ का भावपूर्ण चिंतनशील पठन एवं वाचन करना, ये हालांकि पाठ बहुत लंबा है तो हम इसको थोड़ा सा टुकड़ों में पढ़ाएं, और बहुत अच्छे गहरे विचारणीय शब्द भी इसमें हैं जिस पर हम बच्चों को उनका अर्थ भी बताते चलेंगे तो शायद वो भावनाएं उन तक भी पहुंच पाएंगी। तो अनौपचारिक पत्र लेखन के प्रारूप पर लिखित और मौखिक समझ विकसित करना, क्योंकि आज के समय में जो भी पत्र रह गए हैं वो शायद कार्यालयीन ही रह गए हैं, अनौपचारिक पत्र की जो अस्तित्व है वो अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो हम कम से कम भले ही उन्हें लिखने की जरूरत ना पड़े लेकिन एक अनौपचारिक पत्र लिखे कैसे जाते हैं ये उन्हें पता हो, क्योंकि हो सकता है भविष्य में किसी न किसी कारण उनको किसी न किसी को पत्र लिखना पड़े, हो सकता है व्हाट्सएप पर ही टाइप कर ले वो, पर टाइप किस पैटर्न से करना है ये भी उसे पता होना चाहिए, एक उसका प्रारूप उसको पता होना चाहिए, इसलिए हम हाँ इस पर ठीक भी है।
इसमें एक हाशिए का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हाशियों के साथ में कहाँ हमको चिन्ह लगाने हैं, विराम चिन्हों की भी जानकारी उसको बहुत होनी चाहिए, क्योंकि हमको किस अभिवादन के साथ में किस वाक्य के बाद पूर्ण विराम लगाना है, अर्ध विराम लगाना है या अल्प विराम लगाना है, इसकी जानकारी भी उसे हो। तो पत्र में आए विराम चिन्हों की भी विस्तृत जानकारी हम उसे उदाहरण सहित देंगे और उसमें जो जितने कार्य पत्रक है हम उनको भी हल करवाएंगे। एक और महत्वपूर्ण विधा है इसमें, जैसी हम चर्चा कर रहे हैं शायद हमने भी तीनों ने एक दूसरे से बहुत सारा साक्षात्कार इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से ले लिया है। हाँ, ये साक्षात्कार व्यक्तिगत भले ही नहीं था, लेकिन एक विषय पर विषय परक जरूर था। तो अभी कुछ शनिवार के समय भी जो हमारे यहाँ हर बार सीसीएलई चलती है मैडम, उसमें भी एक विधा हमारे यहाँ हमारी प्रिंसिपल मैडम ने ही आयोजित की थी। बच्चों को एक एक टॉपिक दिए थे कि आप अपने शिक्षकों से पूछिएगा, तो बच्चे घर से कुछ प्रश्न तैयार करके लाए थे और उस सीसीएलई की गतिविधि में ये किया गया था कि सबको एक कक्षा में बिठाया गया और हर बच्चा जिस टीचर के लिए कुछ प्रश्न तैयार करके लाया था उसने उसको आगे बुलाया और दो कुर्सियां आगे लगी थी, एक कुर्सी पर वो बच्चा, एक कुर्सी पर उनके टीचर। उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छे प्रश्न लिख कर लाए थे और वो प्रश्न याद करके कि हमने क्या लिखे थे उन याद करके उन प्रश्नों को जब टीचर से पूछा, टीचर से जो जानकारियां उनको मिल रही थी इससे उनकी उत्सुकता बढ़ रही थी। अरे तो जिस बच्चे में सामने आने की भी स्थिति नहीं थी, थोड़ा सा डर रहा था, उस बच्चे को ये पता लगा कि नहीं, हम जो पूछ रहे हैं हमारे टीचर उसका बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, तो उसकी उत्सुकता उस मामले में और बढ़ी। तो जो पीछे बैठा हुआ बच्चा दब रहा था वो भी धीरे धीरे उठकर सामने आने लगा और एक बहुत अच्छी विधा से उनकी पहचान हुई, लिखित में नहीं, किसी पाठ के जरिए नहीं, खुद के एक कार्यशैली से उन्होंने खुद प्रश्न पूछे और टीचरों ने उसके उत्तर दिए। तो ऐसा ही एक साक्षात्कार, छोटा छोटा साक्षात्कार था, मुश्किल से 5-5 मिनट में टीचरों से उन लोगों ने बहुत कुछ चीजें पूछी कि मैडम आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, सर आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, आपको स्कूल कौन से टीचर अपने अच्छे लगते हैं और आपके जो टीचर बनने का सपना था वो कैसे पूरा हुआ, इस तरह के कुछ प्रश्न उन्होंने पूछे थे। तो इसी तरह के प्रश्न जो है, इसी तरह का एक साक्षात्कार विधा जो है, वो विधा भी हमारे ब्रिज कोर्स में है। तो हमें भी इस विधा का जब हम वाचन करेंगे ब्रिज कोर्स के दौरान, तो इस तरह से वाचन करें कि एक प्रश्न पूछने वाला हो और एक उत्तर देने वाला हो। आदर्श वाचन भी अगर टीचर को करना है तो जहां हम ब्रिज कोर्स में दो शिक्षक हैं ही उपलब्ध वहां पर, तो हम दोनों शिक्षक एक दूसरे से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर दे सकते हैं, यानी इसका आदर्श वाचन दो शिक्षकों के माध्यम से हो सकता है और बाद में जब हम इसी का अनुकरण वाचन करवाएं तो दो बच्चों को ही आपस में खड़ा करें। बहुत ही बढ़िया है। मैंने भी एक प्रयोग मैडम किया था पिछले साल ब्रिज कोर्स के दौरान, जब हम ये साक्षात्कार विधा पढ़ाते हैं जी। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अपनी माँ का साक्षात्कार लेकर आना है और चाहो तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना या फिर उसको लिख कर ले आना, रिकॉर्ड करना फिर लिख कर लाना। तो काफी बच्चों ने लिख कर लाए, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि माँ से हम क्या पूछेंगे। मैंने माँ से ये पूछो कि वो उनका जन्म कब हुआ, जब वो छोटी थी तो वो क्या खाती थी, क्या पहनती थी, उनको कौन सा रंग पसंद है, उनको कौन सी सब्जी पसंद है और वो अपने घर में खाली समय में सबसे ज्यादा क्या करना चाहती हैं। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछो तो माँ भी खुश हो जाएंगी कि बच्चा मेरी केयर कर रहा है और आपका साक्षात्कार भी हो जाएगा और आपको भी पता लगेगा कि आपकी माँ क्या चाहती है। तो इस तरह का प्रयोग किया था, काफी अच्छा लगा बच्चों को भी, बच्चे बहुत खुश हुए उससे। तो ये साक्षात्कार विधा तो हम किसी से भी ले सकते हैं, जैसे एक राजू श्रीवास्तव जी है, बहुत हंसाते थे टीवी सीरियल सुनाते थे, तो उन्होंने एक बाढ़ पीड़ित का साक्षात्कार लिया था जो कि काफी व्यंग्यात्मक भी था और हास्य तो था ही उसमें। बाढ़ में कोई व्यक्ति डूब रहा है और वो माइक लेकर उसका साक्षात्कार लेने पहुंचे थे। आपको डूबते समय कैसा लग रहा है? तो ये वाला एक उदाहरण है, बच्चों के बीच में लाते हैं तो बच्चा थोड़ा सा उसी तरह के एक साक्षात्कार की कविता अगर हम ध्यान दें तो हमारे 12वीं के कोर्स में भी मिलेगी। जी जी जी, केंद्र में बंद पाए वो थोड़ी सी करुणा वाली आंसू आ जाते, हालांकि व्यंग उसमें भी और यहाँ पर भी है। और हमारे ब्रिज कोर्स में तो पंडित जसराज जी का
साक्षात्कार यहाँ पर दिया हुआ है और किस तरह से उसको लिया है उन्होंने, तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को ये बताना है कि ये जो पाठ है इसमें कोई पूछ रहा है और कोई उत्तर दे रहा है। यही कार्य हम परीक्षा के दौरान करते हैं, उसमें प्रश्न दिए रहते हैं, हम उसके उत्तर देते हैं। तो जो उत्तर देते हैं वो प्रश्न से जुड़े हुए रहते हैं, और इसको यदि हम किसी व्यक्ति से जोड़ लेते हैं तो ये साक्षात्कार विधा हो जाती है। तो इस तरह साक्षात्कार विधा से हम परिचित कराएंगे, और इसमें ये जानने की इच्छा बहुत अधिक आवश्यक है। व्यक्ति साक्षात्कार तभी ले सकता है जब उसमें किसी को जानने की इच्छा हो, तो ये हम चर्चा परिचर्चा करके इसको सिखा सकते हैं। और साक्षात्कार में हमको प्रश्न ऐसा बनाना होता है कि उससे वो बात निकल कर आए जो हम जानना चाहते हैं जी। तो हमको प्रश्न डिजाइन करना पड़ता है, इसमें ये मुख्य होता है। जैसे आजकल टीवी शोज में भी काफी साक्षात्कार आते हैं जी। वो आपस में लड़ने लगते हैं, ये साक्षात्कार नहीं है। वास्तव में तो साक्षात्कार ये है कि कोई एक गांव का बच्चा है मान लीजिए, और वह कबड्डी खेलता है, और खेलते खेलते वो एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बन गया। तो हम उसे खिलाड़ी बनने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आपको ये कबड्डी खेलने की रुचि तो थी, लेकिन कबड्डी खेल में आगे बढ़ने का तुमने कैसे सोचा, कैसे मौका मिला, कैसे सोचा और क्या अवसर तुमको प्राप्त हुआ। ये हम पूछेंगे तो वो अपनी पूरी कहानी और अपने अंदर की बात जो कह सकेगा, और इस तरह की बातें अगर कोई पूछे तो बताने वाला हाँ। उत्तर भी बहुत ईमानदारी से देता है। देता है बिल्कुल। जैसे जसराज जी से पूछा है कि भाई आपकी आपने बचपन में शैतानियां जरूर की होंगी, की होती हैं, पर आपको कौन सी शैतानी है जो अभी तक उम्र यानी पूरे जीवन भर याद रहेंगी। तो उन्होंने फिर अपनी शैतानी का जिक्र किया इसमें। शिक्षा के बारे में पूछा, फिर चूंकि पंडित जसराज जो हैं वो शास्त्रीय गायक है मेवाती घराने के, तो साक्षात्कार में यदि संगीत से जुड़ा प्रश्न नहीं होगा तो वो जी आकलन तो उनके जो भी करना है उसमें हमको एक चीज जरूर है कि हम जिससे साक्षात्कार ले रहे हैं वो व्यक्ति किस लिए प्रसिद्ध है या क्या काम करता है, इसकी पूर्व जानकारी साक्षात्कारकर्ता को होनी चाहिए, उसकी खासियत, तभी वो उस विषय में उस पर प्रश्न पूछ पाएगा। तो देखिए इसमें हमको क्या क्या आकलन करना होता है कि चर्चा परिचर्चा करनी होती है, प्रश्नोत्तर होते हैं, सूचना संग्रह और स्वतंत्र लेखन, और इससे हम क्या सिखाना चाहते हैं, उनको बच्चों में शोध और खोज की प्रवृत्ति सिखाना चाहते हैं जी। क्योंकि जिस व्यक्ति के उनको जानकारी साक्षात्कार लेना है उसके लिए उनको शोध करना पड़ेगा पहले, उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी उनको जरूर लेनी पड़ेगी। इवन ये जैसे हमारे स्कूल में आसपास कई तरह के पौधे लगे हुए होते हैं जी, तो आजकल हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर काफी महत्व दिया जा रहा है, तो मेरा ये हम करवा सकते हैं कि एक छोटा सा कोई घास का पौधा है तो बच्चे को लेकर जाए या उसको कहें कि छुट्टी में तुम जाकर देखना वो पौधा कैसा है, उसको ध्यान से देखना उसमें कौन से रंग का फूल खिला हुआ, छोटे छोटे से फूल खिले रहते हैं, तो बच्चे में सूक्ष्मता से आकलन करने की शक्ति जागृत होगा तभी वो कुछ सीख भी पाता है और उत्सुकता भी पड़ती है, फिर उसको व्यक्त करना सीखेगा कि जो मैंने देखा है उसको मैं कैसे बताऊंगा, तो उसके शब्द भंडार बढ़ते हैं, शब्दों की समझ बढ़ती है, और ज्यादातर लोगों का पहुंचाने के लिए वो उस चीज को लिखकर भी देखता है ताकि भविष्य तक उसे भी याद रहे। अब ये जो गतिविधि हम कराएंगे कि जाओ छुट्टी में पौधा देखना, उसमें हमें तो कोई पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, हम तो आराम से लंच टाइम में बैठ सकते हैं और बच्चा शोध खोज कर रहा है जी जी। टीचर का एक एक वाक्य जो होता है ना वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, और इस तरह की गतिविधि जो हम करवाते हैं जिसमें बच्चे को भी पसीना नहीं बहाना है लेकिन एक उसके मस्तिष्क का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है जी। वो बच्चे को भी अच्छा लगता है। आप देखिएगा कभी बच्चों को कोई छोटा सा इस तरह का काम बताइए, कुछ बच्चे बहुत दौड़ कर करते हैं और सबसे पहले करके दिखाना चाहते हैं, बोर लगती है उसमें, बोर लगती है। ये गतिविधियां हैं एक्चुअली, गतिविधि कराना मतलब इस तरह की करवाना जी। और हिंदी के तो यही प्रयोग है भाई, प्रयोगशाला तो है नहीं हिंदी के लिए, तो पूरा पूरी प्रकृति ही उसकी प्रयोगशाला है जी जी। ये साक्षात्कार विधा में मेरे ख्याल से सभी को पारंगत होना चाहिए जी।
तो यहाँ पर जसराज जी का परिचय थोड़ा सा दिया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण दो और पद्मश्री भी है उनको, हाँ ये तीनों पद्मश्री, पुरस्कार या विभूतियां कब प्राप्त होती है इसका नॉलेज देना बहुत जरूरी है बच्चे को कि किसको मिलता है पद्मश्री। अभी मैंने देखा 12वीं के मूल्यांकन में हर कवि के परिचय में बच्चा लिख दे रहा था नीचे कि पद्मश्री पद्मश्री पद्म विभूषण पद्म से विभूषण, तो ऐसा नहीं होता है, सबको नहीं सम्मानित किया गया, मिलता। उन्होंने एक लाइन रख दिया। हाँ मतलब ये भी हमको देखना हो बताइए। देखिए इसी पाठ में दिए गए कुछ प्रश्नों को यहाँ पर अलग से लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्न ये साक्षात्कारकर्ता के पास स्वयं लिखे होते हैं, क्योंकि हमारे पास पाठ है तो हर प्रश्न के बाद उसका उत्तर भी लिखा है, लेकिन बच्चे को ये जरूर बताएंगे कि साक्षात्कारकर्ता के पास उसके उत्तर नहीं होते हैं, केवल उसका प्रश्न होता प्रश्न है, होता प्रश्नों है। की ही एक सूची होती है। अच्छा जब साक्षात्कार लिया बच्चा जी तब उसके हाथ में केवल प्रश्न होना चाहिए या उत्तर लिखने का भी साधन होना चाहिए? जी उत्तर लिखने का साधन, वैसे तो जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न की सूची भी उसके पास उपलब्ध नहीं होती है, वो स्वयं उन प्रश्नों को मान के चलता है कि मुझे इस तरह के प्रश्न पूछना है, और वो अपने दिमाग में उसको रखता है। जी उसके बाद जब उसको उत्तर मिलते हैं तो कुछ उत्तरों को जो उसके लिए महत्वपूर्ण है, उसे ऐसा लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है, तो वो उसको भी अपने मस्तिष्क में रखता है। और फिर अगर उसको तुरंत बाद में लिखे तो मेरे ख्याल से उसकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और बाद में लेखन शैली भी बढ़ती है, क्योंकि उनके दिए गए प्रश्नों के उत्तर को बाद में वो लेखन के जरिए लिखता है। हाँ अगर उसे तुरंत छापना है या कुछ करना है तो फिर वहां बैठकर लिखेगा तो शायद उत्तर देने वाले को जिसका साक्षात्कार हो रहा अनुचित है उसको अच्छा महसूस लगेगा। नहीं होगा। की पॉइंट नोट कर सकता है जैसे कुछ जी विशेष चीज हाँ में ऐसे शब्द मुख्य में मुख्य बातें एक शब्द में उसको वो एक नोट शब्द कर में सकता सकता है। बहुत है। अच्छी चीज लिखी कि भाई मुझे पद्मश्री इस समय में मिला था, पद्म विभूषण, बस उतना हाँ नोट कर ले और हाँ उसके बाद फिर उसको अपने शब्दों में वो लिखता है। साक्षात्कार लेने तो के तुरंत बाद उसका लेखन वो लेखन करे दिया जाए, ताकि भूले वो भी भूल न ना जाए। जितना उन्होंने बताया है वो पूरा यहाँ पर लिखे। मैं मुझे याद आ जाता है इसलिए मैं कह रही हूँ, जी जी मैं त्रिलोचन जी के साथ काफी समय सागर में रही जी तो हम लोगों ने ऐसा ही किया था कि हम उनसे बहुत सारे क्वेश्चन करते थे क्योंकि वो 40 भाषाएं जानते थे जी तो हम उनसे क्वेश्चन करते थे और उनकी बातों को याद रखते थे। और जैसे ही हम हॉस्टल में पहुंचते थे तो हम सबसे पहला काम करते थे कि डायरी उठाकर वो क्वेश्चन हाँ और उसका उनके बताया आंसर करते वो हाँ जी लिख लेते थे। और आपको पता है मैं मुझे बताते हुए बड़ा अपने आप में गर्व इसलिए होता है कि जी जी त्रिलोचन जी काफी बड़े कवि, तो जी जी मेरी एक किताब पब्लिश हुई है त्रिलोचन पर डायरी, जी जी और वो त्रिलोचन जी ने जब देखी कि ये तो वही सारी बातें हैं जो इन्होंने जो मेरे से की थी जी तो वे बहुत खुश हुए थे और उनके हाथों ही जी विमोचन हुआ। जी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब हिंदी के शिक्षक हैं, त्रिलोचन जी के बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि कक्षा 10वीं में उनका एक पाठ है, चंपा काले काले अक्षर अच्छा नहीं नहीं चीनती चीनती ना, ये त्रिलोचन जी की ही लिखी हुई है। और हमारी जैन मैडम तो उनके बहुत सानिध्य में रही हैं, हाँ बहुत कुछ उनसे सीखा है, और ऐसी ही कुछ बातें उनके दिमाग में भी आज हम उनके सानिध्य में रह के बहुत कुछ सीख रहे हाँ हैं। इसी के साथ में ना हम आते हैं अगली स्लाइड में। ये जो पूरा ब्रिज कोर्स है इसके माध्यम से ये तो पाठ है और कुछ विधाएं भी हैं लेकिन इनके माध्यम से जो हमको सीख लेना है वो जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची, दूसरी स्लाइड समानार्थी करना शब्द ना, वाक्यों का विन्यास, ठीक है, और इसके इसके अलावा हमें कुछ व्याकरण जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण है ना, ये भी हमको सीखना होता है, सिखाना खत्म हो होता गया, है। ये वाली खत्म हो गई, दूसरी शब्दों एक की और सामर्थ्य अनुवाद बढ़ाने के हो लिए शब्द गया। कैसे बनते हैं तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय है ही, और शब्दों के प्रकार हैं जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये प्रकार हमें सिखाना होंगे। फिर एक शब्द आता है संकर शब्द, तो संकर शब्द क्या होते हैं और हाँ विधाओं में भी जैसे गद्य की जो प्रमुख ये विधाएं हैं निबंध, कहानी, उपन्यास वगैरह तो हम बताते ही हैं, नाटक, एकांकी, इसके बता अलावा डायरी लेखन, साक्षात्कार और संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, देखा चित्र, ये सारी रेखा चित्र, इन चीजें सब में भी बच्चों को पारंगत होना चाहिए। जी
एटलीस्ट मतलब कुछ तो वो थोड़ा सा लिख सके कि मुझे थोड़ा बहुत वाक्य विन्यास करना आ रहा है, तो इस तरह से हमें बच्चों को तैयार करना ही होगा। पत्र जब लिखता है बच्चा तो पत्र बहुत ही सरल भाषा में हो और उसमें लिखने का उद्देश्य आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मित्र को वो पत्र लिख रहा है बधाई संदेश और उसमें बधाई दी ही नहीं उसने, तो फिर वो बधाई संदेश कैसे होगा। इसके लिए बच्चों को हम कलेक्शन करवा सकते हैं, बहुत अच्छा है कि एक शादी की पत्रिका आई है घर में, या कुछ एक वो आ गया बर्थडे जन्म दिवस के लिए कार्ड आ गया आमंत्रण पत्र। फिर एक हमारे आता है शोक संदेश, तो वो हम बच्चों से कलेक्ट करके बुलवा सकते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी पड़ा है, या हम अपने घर से लगा सकते हैं। अच्छा, विराम चिन्हों के प्रयोग में एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस है, रोको मत जाना दो, हमें उसका अभ्यास जरूर ही कराना है। आत्मकथा और जीवनी, ये भी एक गद्य की विधा है जिसके लिए हमको बहुत तैयारी करवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम केवल बच्चे से कह सकते हैं कि तुम अपना जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा, पूर्व की शिक्षा, ये सब लिखकर ले आओ। और दूसरे बच्चे से कहते हैं कि तुम इसका लिखा हुआ परिचय ऐसे पढ़ो जैसे तुम किसी के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो जीवनी हो जाता। और बच्चा जो अपना लिखा हुआ स्वयं पढ़े कि मेरा जन्म ये हुआ, मेरा ये बताया कि कुछ 8-10 वाक्य लिख कर लाए, तो वो एक गतिविधि बहुत सुंदर। अब इसके अलावा जो हमारे शब्द सामर्थ्य बढ़ाने के लिए संधि और समास, ये बहुत ही बेसिक बिंदु होता है जिसके लिए हमको तैयारी जरूर करानी है कि संधि क्या होती है, समास क्या होती है, सारी परिभाषाएं अंतर बता दें। जी, तो आने आना है। तो ब्रिज कोर्स के साथ हम 9वीं के पाठ्यक्रम की आधी से ज्यादा व्याकरण करवा सकते हैं, जो 12th तक आती ही आती है। बिल्कुल, जिससे एक निपात हो गया, 9 से 12 चलती है। बिल्कुल, संधि समास, विराम चिन्हों का प्रयोग, संधि समास, कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण को अच्छे से क्लियर करवा दे ताकि 12th तक पहुंच सके। और जो सूरज का ब्याह कविता है इसके, इस पर बातचीत किए बिना हमारा ये प्रशिक्षण पूर्ण नहीं होगा। तो सूरज का ब्याह कविता ही अपने आप में इतनी अच्छी है कि बच्चा नाच कर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, उसकी सुरक्षा, इतनी एक बहुत अच्छी कल्पना है उसमें जो रामधारी सिंह दिनकर ने दी है कि भाई किसी का ब्याह होता है जब घर में तो बच्चे कितने उत्साहित होते हैं, बहुत वही उत्साह, वही खुशियां, वही उनकी मौज मस्ती इन सब में दी है। लेकिन आखिरी में एक बहुत अच्छा प्रश्न भी उन्होंने इसमें उठाया है, बड़ा झमेला है, बड़ा झमेला है, अगर एक सूरज इतने तपता है, गर्मी तो अभी भी हमको अभी से लगने लगी है, अभी से हमको ऐसा लग रहा है कि कूलर पंखे की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर ये एक सूरज के कारण इतने हाल हमारे हो चुके हैं तो जब इसकी शादी होगी और इसके बच्चे होंगे तो कितने सूरज को हमें झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक जो कठिन समस्या है इससे शायद सारा उत्साह बच्चों का भी उसके ब्याह का ठंडा हो गया, ठंडा हो जाता है। इसका चित्र भी बहुत सुंदर बनाते हैं बच्चे जी कॉपी में। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात इस कविता में है कि इसमें कल्पनाशीलता बहुत बहुत, यानी क्या कल्पना है कि सूरज का ब्याह हो रहा है, यही वाली है और ब्याह बारात में शामिल वाला इसमें बताया गया है, सूरज का ब्याह। भाई अब सूरज का ब्याह होगा तो बारात में कौन शामिल होगा? चंद्रमा तो कहेगा कि मैं नहीं जाता सूरज के पास, ये तो इतना ताप वाला है, मैं तो शीतल हूँ। और तारे बोलेंगे कि मैं तो दिखूंगा ही नहीं क्योंकि सूरज का प्रकाश इतना तेज है कि तारे दिखते ही नहीं है। तो इसकी बारात में शामिल कौन हो गया, अकेला जाएगा शादी में? ये भी एक कल्पना है और इसके माध्यम से हम तत्व, तत्सम, ये बोले शब्दों का भंडार इसमें, इस कविता में पेड़ पौधे की सुरक्षा भी है और इसमें तुकांत शब्दों का भंडार है, तुकांत वो भी हम बता सकते हैं, नए शब्दों का, और इसमें एक वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकारों की चर्चा हम इस कविता के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके कार्यपत्रक 6 में बहुत सुंदर प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ तो मुहावरों के प्रयोग हल हो जाते हैं और इसमें भी एक कविता दी है।
और इस कविता को पढ़कर बच्चा हर कविता को पढ़कर इस तरह की सोच बनाना हाँ। शुरू कर सकता है और वो जो आता ना पठित अभ्यास अभी हुआ है वो भी हल कर सकता है अच्छे से। और एक गतिविधि जिसमें शायद दी है अनुच्छेद गतिविधि दी है तो अनुच्छेद लिखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अनुच्छेद शब्द ही कठिन होता है बच्चे के लिए पैराग्राफ लिखना, लेकिन हम कर सकते हैं कि जैसे सूरज का ब्याह कविता पढ़ो, उड़ी एक अफवाह सूर्य की शादी होने वाली है, तो अब ये शादी की सूचना देने वाला कौन, तो हम एक कल्पना कर सकते हैं छोटी सी नाटिका की कि उसमें ढोल बजाकर गांव में घूमकर वो सूचना दे रहा है ढमक 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 सुनो भाई सुनो सूर्य की शादी सुना है कि सूर्य की शादी शादी होने क्योंकि वो भी अफवाह ही है। हाँ, सुना है बिल्कुल। तो अफवाह शब्द का अर्थ भी एक पूरी नाटिका लिखी जा सकती है और इस नाटिका को सीसीएलई की गतिविधि में अभिनित कराया जा सकता है। तो बहुत ही और सूरज भी बनकर आ जाएगा और बाराती तो सज के आ ही जाएंगे। सूरज बनी जाएंगे कैसे फूटा बोल ऐसा सारा लगा। हाँ, और ब्लैक बोर्ड पर हम बहुत सुंदर चित्र बनाकर पेड़ पौधे चिड़िया वगैरह सब बना सकते हैं, मछली बना सकते हैं, नदी बना सकते हैं, क्योंकि वृद्ध मछली का वृद्ध मछली अच्छा उसमें पात्र बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। उसने सिखाया कि अरे सुनो मतलब इससे ये है कि हमारे बुजुर्ग हमें बहुत सारी आने वाली समस्याओं से बचाते हैं उसे जागृत करते हैं यदि यदि हमारे घर में बुजुर्ग ना हो तो बहुत सारी समस्याओं के हल हम ढूंढ नहीं पाते समस्या ही पहचान नहीं पाते। तो ये सारे मानवीय मूल्य तो इसमें छिपे हैं ही, जीव जंतु की सुरक्षा भी करना है जी। और आजकल बच्चा मोबाइल का प्रयोग बहुत करता है तो हम उसको मोबाइल का सटीक प्रयोग करना सिखाएं कि भाई इसकी डायलॉग डिलीवरी करो, संवाद वाचन करो और उसकी रिकॉर्डिंग करो और फिर लोगों को सुनाओ कि देखो हमने एक नाटक लिखा है और वो रेडियो रूपक हो जाएगा। वो तो एक करियर गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज है कि बच्चा इस तरह से करता है सृजन और सृजन के माध्यम से एक अच्छा उसके लिए अवसर प्राप्त होता है जी। ऐसी ही बोलचाल की भाषा में जो कविताएं लिखी जाती है वो बच्चे के लिए लिखने में भी और उसकी कल्पनाशीलता के लिए भी बहुत आसान है, तो बहुत आसानी से उन चीजों को लिख भी पाता है और उसकी कल्पनाएं भी कर पाता है। और इसमें और भी बहुत सारे पाठ हैं, मतलब कितने 8 पाठ है जो हमारे पाठ आज के प्रशिक्षण से छूटे तो नहीं है लेकिन फिर भी हमने उनका नाम भी नहीं लिया है जी, नाम जी। नहीं लिया। जैसे अब पद्य का तो हमने कहा है कि आप अपनी कल्पना से वो कहानी कविता नाटक भी जोड़ लें जी, जी। लिखना सीख जाए ये इसका कौशल है। लोक कथा के बारे में हमने अपनी चर्चा की, अच्छी लंबी चर्चा हो चुकी है इस पर। अंतरिक्ष की सैर हमारे यहाँ पिछले बार चंद्रयान पहुंचाई है, उसका वीडियो दिखाएं, बहुत सुंदर गैलेक्सी का चित्र दिखाया बच्चों को। और अपरिचित शब्द, देखिए ये शब्द जो है परीक्षा में आते हैं, अंतरिक्ष की सैर पाठ से प्रश्न जरूर आता है जी, जो तिमाही परीक्षा में होता है, तो इसका अभ्यास हमको अच्छे से करवाना है कि नासा कहाँ पर है, इसरो कहाँ पर है, क्या होता है अंतरिक्ष केंद्र में क्या होता है, तो ये हमें जरूर बच्चे को सिखा देना चाहिए जी जी। उसमें अंतरिक्ष यात्रा कितनी कठिन है, अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे तैयार किया जाता है, एक ये भी जिज्ञासा उसके अंदर क्योंकि आखिर जाते कैसे हैं वहां तक, कोई ट्रेन तो नहीं चलती होगी। जब बरसात में बच्चा बरसाती पहनकर आए और उसको हेलमेट लगा दिया जाए तो हम उसको बोले कि देखो अंतरिक्ष यात्री आ गया, अंतरिक्ष से आया है। एक विधा है डायरी जिसकी हमने भी चर्चा की है कि साक्षात्कार के साथ डायरी जोड़ दी थी वैसे, एक दिन भुज का, मतलब डायरी लिखना एक अच्छी विधा है। बच्चों से तो हम कहें कि आज देखो आज आपका शाला का पहला दिन है, आप अपना अनुभव लिख कर लो, पहले ये एक वाक्य लिखो लेकिन लिखो जरूर और रोज लिखो, तो वो डायरी शैली सीख जाता है, वो अपने दिन भर के क्रियाकलाप को सोचता है और फिर लिखता है। तो ऐसी ही डायरी विधा जो है एक दिन भुज का, बहुत ही सरल विधा है, हम बच्चों को लिखना जरूर सिखाएं इसको। और
ये डायरी विथा के साथ में जो एक दिन भुज का उन्होंने भुज में जो एक दिन बिताया है उसके साथ हम उसको ये कह सकते कि छोटा सा यात्रा वृत्तांत भी है। तो सारी विधाएं आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, सब एक दूसरे से जुड़ी है। तो हमको वैसे भी बच्चों को बहुत सारी विधाएं पढ़ानी ही पड़ती हैं, तो अगर हम इन चीजों को एक दूसरी विधाओं के साथ जोड़कर बताएंगे तो कभी भी बच्चा उन विधाओं को ज्यादा अच्छे से समझ एक पाएगा। बात इसमें बहुत सुंदर है, पहले ही पैराग्राफ के तीसरी लाइन का आखिरी है, मेरी डायरी शुभ रात्रि। मतलब ये है कि डायरी में हम अपने आप से बात करते हैं। हाँ, तो हमने माध्यम डायरी को, क्योंकि इस वक्त जो डायरी है वो हमारी सबसे अच्छी मित्र है। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं मैडम कि डायरी को एक नाम भी दे देते हैं। बिल्कुल, ताकि उस डायरी से, उस डायरी के जरिए वो बात कर सके और उनको एक बहुत अच्छा मित्र मिल सके। उनसे अपनी पूरी अंतरंग बातें करते हैं, अंदर की अपने दिल की बात। जी जी, क्योंकि हर इंसान में एक गुण होता है अभिव्यक्ति का, वो अपने मन की बात किसी से कहना चाहता है जी। और जब वो नहीं कह पाता है तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रोग भी जन्म लेते हैं जी। उन सबसे बचने का सबसे सुंदर तरीका होता है डायरी लिखकर। ही बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत दुख भी होता है, लेकिन हम किसी के पास व्यक्त नहीं कर पाते, वो अभिव्यक्ति हम डायरी से कर सकते हैं। और यदि हम किसी, जैसे मान लो मुझे आसोलकर मैडम के ऊपर गुस्सा आ रहा हो और मैंने कोबरिया मैडम से अपने मन की बात कह दी, तो कहीं ना कहीं वो उनको बता देंगे, तो ये चुगली की शैली में आ जाता है। हमारे मन में तो एक डर लगा ही रहता है कि बता ना दे, इसीलिए वो और झगड़े बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं, मनमुटाव बढ़ने लगे। हम उसको डायरी में लिख लें, जैसे कोई देखेगा नहीं और हमें किसी को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो इसमें बहुत सुंदर तरीके से ये डायरी शैली का परिचय दिया गया है और डायरी के माध्यम से उन्होंने प्राकृतिक विपदाओं से भी जोड़ा है उसको जी। कि किस तरह की विपदाएं आती हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए, उनसे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, ये सब भी उसमें दिया है। और इसके कार्यपत्रक 3 में एक जंगल का दृश्य है जिस पर अनुच्छेद बच्चे को लिखना है और एक हथेली दी है जिसमें पृथ्वी रखी हुई है। तो हम पृथ्वी की सुरक्षा कैसे करेंगे, वो पृथ्वी हरी है, हरी इसका है, मतलब है कि पर्यावरणिक सुरक्षा की कैसे करेंगे। तो बच्चा सोच कर उसमें लिखे कि मैं पन्नियां नहीं फैलाऊंगा, मैं पानी बचाऊंगा, मैं मिट्टी नहीं खोदूंगा, ऐसा हम कुछ सजेस्ट उसको कर सकते हैं। और इस तरह से अनुच्छेद लिखना भी सिखा सकते हैं और उनके अपने मन की बातें भी, विषय वस्तु भी लिख पाएंगे। और इससे भविष्य में ऐसा है कि परीक्षा में आने वाले जो अनुच्छेद लेखन है उसकी भी तैयारी होती है और थोड़ी बहुत निबंध की भी तैयारी होती है। नया अनुच्छेद भी लिख सकता है, पूरा नहीं तो आधा तो लिख ही पाए। जी जी, नया मिला तो। इसका जो कार्यपत्रक 4 है इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता है कि इसमें देखिए तसल्ली और अलसुबह ऐसे अरबी फारसी के शब्द है, सामंजस्य हिंदी का शब्द है बिल्कुल, और अनुशासित, अनुशासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है, और झाड़ झंखाड़े का ऐसा शब्द है दूसर झाड़ झंखाड़, आम बोलचाल की भाषा के शब्द है जो देशी। तो हम ये इन सारा जो वाक्य विन्यास है, शब्द संपदा है, इन सब का ध्यान रखते हुए एक कार्यपत्रक 5 है वो तो अवश्य करवाएं कि चाहे तुमने कुछ से भी यात्रा, पैदल यात्रा की हो, रेलगाड़ी से की हो, बस से की हो, छकड़े से की हो, बैलगाड़ी से की हो, छकड़ा टू सीटर गाड़ी है बिल्कुल। तो हम बच्चे से कहें कि वो उस यात्रा का वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमने बोला इस डायरी के माध्यम से एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा गया है, वही बस यात्रा वृत्तांत की तैयारी अभी वो कार्यपत्रक 5 में भी करेगा इसमें जी, जी। जो अपनी एक छोटी सी यात्रा, भले ही वो स्कूल से घर तक की हो या घर से स्कूल तक की हो, उसके लिए जरूर लिखेगा उसमें। अब एक जीवनी की चर्चा है, हेलेन केलर। हेलेन केलर, हेलेन केलर की जीवनी बहुत ही प्रसिद्ध है और ये बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में उनकी माँ ने पढ़ा था और उनके पिता वहां गए और संरक्षिका से अनुरोध किया कि वो हेलेन को पढ़ाएंगे और वे तैयार हो गए और हेलेन को वो अपने घर ले आए। हेलेन केलर ने 6 बार, ये प्रश्न भी आता है, 6 बार विश्व का भ्रमण किया, करोड़ों रुपए की संपत्ति उनकी धनराशि एकत्रित की, किसके लिए, उन्हें विकलांग, दिव्यांग शब्द, क्योंकि वो स्वयं भी दृष्टिहीन हुई थी और किसी
मतलब बुखार के आने के कारण। हाँ, क्यों किया ये मैं बताने वाली थी, आपने बता दिया कि ये सब उन्होंने क्यों किया कि वो स्वयं दिव्यांग थी और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए हेलन केलर बहुत प्रसिद्ध है कि वो स्वयं हार मानी नहीं और उन्होंने पूरे विश्व के दिव्यांगों के लिए ये बहुत बड़ा काम किया है, आत्मविश्वास को कूट कूट कर भरने का बड़ा काम हेलन केलर ने किया है। और उनकी जो जीवनी है वो वास्तव में पढ़ने लायक है और बच्चों को कम से कम इतना तो बहुत अच्छे से पढ़ा दें कि बेटा एक हेलन केलर थी। हम भी अपनी जीवनी लिख सकते हैं, यदि हमने किसी को प्रेरित किया है तो प्रसंग उसमें डाल सकते हैं जी, जिसको हम आत्मकथा का नाम देंगे बाद में, क्योंकि हम अपना लिखेंगे जी जी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक आत्मकथा की भी, हमारे पास एक विधा है जो एपीजे अब्दुल कलाम की है, एक आत्मकथा ना, तो ऐसी सारी विधाएं, अलग अलग तरह की विधाएं हमारे इस ब्रिज कोर्स में है। और अब हमारा प्रशिक्षण समाप्ति की ओर है, तो समाप्ति के समय मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमें ब्रिज कोर्स का बेसलाइन टेस्ट 20 अप्रैल तक किसी भी स्थिति में करा लेना है और 25 अप्रैल को उसका विमर्श पोर्टल पर हमको परिणाम भी अपलोड कर लेना है। और ये जो ब्रिज कोर्स है ये 31 जुलाई तक चलेगा, उसके बाद उनके एंडलाइन टेस्ट भी होंगे, तो 31 जुलाई तक हमें पूरा फोकस जो है वो केवल अपने ब्रिज कोर्स पर ही करना है और उनकी अलग अलग विधाएं जो पूरे ब्रिज कोर्स में दी हैं उसको ध्यान से बच्चों को पढ़ाना है, ताकि उसमें दिए गए जो सीखने के प्रतिफल हैं उन सीखने के प्रतिफल तक बच्चा पहुंच सके, उसके अंदर वो कौशल निर्माण हो कि वो इस तरह की कुछ विधाएं अपने मन से लिख सके, शब्द भंडार बढ़े, भाषाई उनको ज्ञान मिले और अपने जीवन के मूल्यों को भी वह समझ सके। बिल्कुल, समस्याओं से तो जीवन भरा हुआ है, एक शिक्षक वो होता है जो समस्याओं को पार करके अपना काम निकालना जानता है, तो हम सभी इसकी तैयारी के लिए एक ब्रिज कोर्स यानी जो पुल का काम करेगा बच्चों को नौवीं से जोड़ने का, प्राथमिक और माध्यमिक शाला से निकलकर बच्चा जब हाई स्कूल में आ रहा है तो एक आत्म वैभव के साथ वो आएगा, उस वैभव को डेवलप करने का समय हमारे पास ब्रिज कोर्स के दौरान आता है। आशा है आप सभी को हमारा यह प्रशिक्षण कम आपके लिए प्रेरणादायी परिचर्चा के रूप में सामने आया हो, और हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से और आप अपने भी कौशल के माध्यम से अनेक गतिविधियां करवाएंगे, रोचक गतिविधियों के साथ बच्चों को वो दिलवाएंगे जिसके वो हकदार हैं। कौशल का विकास, सीखने के प्रतिफल हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, और यदि ये बच्चा सीख जाता है तो हमारा 9th का रिजल्ट बगैर मेहनत के हमारे सामने एक मक्खन की तरह निकलकर आता है, जिसकी हम वर्ष के अंत में उम्मीद करते हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मैं डॉक्टर मनीषा जैन, मैं श्रीमती पार्वती खुबरिया और मैं श्रीमती अमृता आसोलकर आप सभी को आज के इस प्रशिक्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब बच्चा ब्रिज कोर्स कंप्लीट करके निकलेगा, यानी जुलाई अगस्त में जब उसकी क्लास फिर से चालू होगी, तो वो हर बच्चा नौवीं के स्तर का होगा, ऐसी मैं आपसे आशा और अपेक्षाएं करती हूँ। इसी के साथ हम ये प्रशिक्षण समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।